basic terms in magnetism. ये पूरा का पूरा theoretical है. Understanding point of view से काफी important सारी चीज़ें. Okay, the first is magnetization. इसको capital I vector से लिखते हैं. देखो, जब भी आप किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो फिर वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है. डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ टाइप ऑफ सब्सटेंस, वो इधर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटाइज होता है या फिर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटाइज होता है. होता है ना? होता है. हाँ सर. हाँ सर. पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटाइज होते हैं और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और डायमैग्नेटिक आपके ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. ये होता है ना. ये मैंने आपको जस्ट यू नो थ्योरेटिकली बताया था, लिखाया नहीं था कहीं पे. आपको याद हो तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था तीन टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं. हाँ सर. है ना. ये यू नो ये आगे अभी लिखाऊंगा सारा. आज पता नहीं लिखा पाऊंगा या नहीं, बट आगे के क्लासेस में आपको वो लिखाऊंगा. ठीक है. अभी फिलहाल के लिए कम से कम इतना तो याद है आपको कि तीन तरह के सब्सटेंस होते थे, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक. ये दोनों इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटाइज होते थे और डायमैग्नेटिक ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैग्नेटाइज होते थे. तो फाइनली मान लो कि हमने उसको मैग्नेटाइज कर दिया है. मैग्नेटाइज होने के बाद उस सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो नहीं आएगी. अब अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है तो कितनी मैग्नेटिक मोमेंट उस सब्सटेंस के अंदर आ रही है पर यूनिट वॉल्यूम. जब आप कैलकुलेट करते हो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर. मतलब कि जैसे अगर सोचो कि अगर ये मैग्नेटाइजेशन अगर ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो सब्सटेंस को आपने ज्यादा मैग्नेटाइज कर दिया है. मतलब एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाया और अगर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है? वो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो चुका है. अगर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अगर कम आ रही है, इसका मतलब क्या है? कि वो वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है. समझ आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो इसको मैं जस्ट जल्दी से लिख देता हूँ. सो व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक field, the atomic dipoles of the material are aligned partially or completely either in the direction of applied field or opposite to it. Opposite to it. The induced magnetic moment per unit volume inside the substance is termed as magnetization vector. Magnetization vector. That's simply a magnetization bhi bolte hain, but magnetization vector bhi bole to same cheez hi baat kar rahe hain. Theek hai, vector quantity hai. To isko agar I ko agar vector form mein aap likhte hain तो आप इसको ऐसे लिखोगे, कितनी मैग्नेटिक मोमेंट आ गई है पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड करना है. नेट मैग्नेटिक मोमेंट और यहाँ पे वॉल्यूम से आपको डिवाइड करना है. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन का होगा आपका मैग्नेटाइजेशन का भी होगा. ठीक है ना? ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. ओके. अगर आपको एक एक बेसिक चीज एक एक ध्यान रखनी है कि जैसे अगर ये मैग्नेटाइज हो चुका है, सपोज ये मैग्नेटाइज हो गया, तो ऑब्वियसली इस सब्सटेंस के अंदर ये खुद का भी तो एक फील्ड क्रिएट करेगा ना. करेगा नहीं करेगा? हाँ सर. ठीक है, तो अगर ये खुद का भी एक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको कैलकुलेट करनी है मैग्नेटाइजेशन की वजह से, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन अलोन,
तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बस आप आई के साथ ना म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर देना. इफ यू मल्टीप्लाई आई बाई म्यू नॉट यू गेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन. समझ आइए, इसको बस ध्यान रखना इन्फॉर्मेशन की तरह, ठीक है, इसको जस्ट नोट की तरह ध्यान रखिएगा. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड का, ठीक है ना, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, देन बी वेक्टर इंड्यूस्ड लिख रहे हैं इसको. इंड्यूस्ड मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटाइजेशन की वजह से है, दिस इज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन. This comes out to be mu naught into I vector. ठीक है, मतलब I vector के साथ बस mu naught को multiply करो, आपको induced magnetic field मिल जाएगा. बिल्कुल वैसा ही जैसे supposedly you know कि जैसे आप dielectrics का सोचो क्या होता था. अगर आप एक electric field, external electric field लेते हो और वहाँ पे एक dielectric को छोड़ते हो, तो dielectric medium में polarization होता है या नहीं होता है? होता है, याद है आपको? हाँ सर. तो सोच के देखो, जैसे अगर आपने सोचो एक बार, जैसे याद करो एक बार, छोटा सा रिवीजन करके दिखा रहा हूँ. जैसे जैसे सोचो, अगर सपोज ले इलेक्ट्रिक फील्ड से एनालॉगस सोचो, जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और आपने यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक रखा हुआ है. सपोज यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक है, ठीक है, दिस इज अ डायलेक्ट्रिक. तो डायलेक्ट्रिक के लेफ्ट फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और राइट फेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा? हाँ सर आएगा. हाँ सर. तो खुद ही सोच के देखो, अभी ये जो डायलेक्ट्रिक मीडियम है ये भी अपना एक फील्ड क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हाँ सर. देखो मैंने अप्लाइड फील्ड क्रिएट किधर लगाया है, राइट से लेफ्ट लगाया है ना? हाँ सर. आया? और देखो जो जो इंड्यूस्ड फील्ड हुई है वो राइट से लेफ्ट की तरफ हुई है, दिख रही है आपको? हाँ सर. तो इसी तरह जैसे इसमें इंड्यूस्ड फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट मैग्नेटिक फील्ड में ये हमेशा ऑपोजिट नहीं होगा. ये टाइप ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि यू नो किस तरफ होगा. अगर डायमैग्नेटिक है तो ऑपोजिट होगा, बट अगर पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक तो सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है. अब ये चीज सोच के देखो, तो सिमिलर तरीके से अगर मैं ये बोलूं, जैसे अगर सपोजली मैं बोलूं मीडियम ज्यादा पोलराइज हो रहा है, सोच के देखो, अगर मैं इसी में बोल रहा हूं मीडियम ज्यादा पोलराइज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंड्यूस चार्जेस ज्यादा होगा? हां सर. और अगर इंड्यूस चार्जेस ज्यादा होगा तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या नहीं होगा? हां सर. तो सेम लॉजिक से यहाँ पे भी है. अगर जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैग्नेटाइजेशन ज्यादा आई है, तो मैग्नेटाइजेशन ज्यादा आई है तो वो खुद का जो फील्ड क्रिएट कर रहा है वो भी तो ज्यादा होगा ना? हाँ सर. और वो निकालने का जो तरीका है बेसिकली बस वो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके है, ठीक है. आई वेक्टर अगर आपको पता है तो उसके साथ जस्ट आप म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दो, आपको बेसिकली बी मिल जाएगा. समझ आइए आपको क्या बोला मैंने? हाँ सर. ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि बेसिकली यू नो मैग्नेटाइजेशन इज एनालॉगस टू पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है. इसको जैसे यहाँ पे एक लाइन में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे. मैग्नेटाइजेशन इज एनालॉगस टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इसका यूनिट भी जैसे आप याद रखिएगा, आई का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ आई इज एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है. ओके, सो अभी मैंने आपको जस्ट एक टर्म बताया आपको, यू नो जैसे एम्पियर पर मीटर आपको तो समझ आ रहा है ना, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन में देखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा. डेफिनेशन क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम था ना? हाँ सर. और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है? करंट इनटू एरिया, है ना? हाँ सर. मतलब एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, एंड पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब कितना है? एम्पियर पर मीटर ही तो है ना? हाँ सर. ठीक है, तो वहां से उसकी यूनिट आ रही है. चलो अभी अभी दूसरा टर्म पढ़ते हैं. नेक्स्ट टर्म इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको एच वेक्टर से लिखते हैं. यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है,
मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म है. देखो सपोजिटली अगर यू नो कि जैसे आप सपोजिटली एक जगह पे आप एक सर्टन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, सपोजिटली आपने एक सर्टन लोकेशन पे एक सर्टन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, मान लो कि वो मीडियम वैक्यूम में, ठीक है, मीडियम वैक्यूम में मतलब कि उसमें कोई मीडियम नहीं है, वहां पे मटेरियल मीडियम नहीं है. अब आप क्या करते हो, वहां पे कोई एक सपोजिटली एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाके रख देते हो, यू जस्ट प्लेस अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इन दैट रीजन. तो ये बताओ कि जो फील्ड मैंने अप्लाई किया था क्या वो चेंज करेगा? मैंने जो फील्ड अप्लाई किया था क्या वो चेंज करेगा? नहीं सर, नहीं, क्योंकि वो तो किसी सोर्स से प्रोड्यूस हो रहा होगा ना. जैसे आप सोच के देखो, एक बार मैग्नेट है, वो बार मैग्नेट कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो बार मैग्नेट कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको मीडियम से क्या लेना देना है? जैसे एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज कितना फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्या उसको मीडियम से लेना देना है? नहीं नहीं. तो वैसे ही आपको, आप भूल गए हो क्या, कूलम्स लॉ मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, याद है आपको? हाँ सर. ठीक है ना, तो वैसे ही है कि एक बार मैग्नेट खुद कितना फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसको मीडियम से कोई लेने देना नहीं है. बट हाँ, अगर मीडियम आप चेंज करते हो तो क्या चेंज होगा? मैग्नेटाइजेशन चेंज होगा ही नहीं होगा. मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा. मतलब आयरन में जितना मैग्नेटाइजेशन होगा, क्या उतना ही मैग्नेटाइजेशन एल्यूमिनियम में होगा? क्या उतना ही मैग्नेटाइजेशन कॉपर में होगा? होगा क्या? नहीं, मेटल चेंज करोगे तो मैग्नेटाइजेशन अलग अलग आएगी. अगर मैग्नेटाइजेशन सोचो अलग आ रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सब्सटेंस भी तो अलग अलग आएगी. हाँ सर. तो सब्सटेंस के अंदर का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पे डिपेंडेंट है कि आप सब्सटेंस क्या चूज कर रहे हो, राइट? ये इस पे डिपेंडेंट तो है ही कि आप एक्सटर्नल फील्ड क्या अप्लाई कर रहे हो, बट साथ साथ ये इस पे भी डिपेंडेंट है कि आपने सराउंडिंग मीडियम, मतलब जो मीडियम चूज कर रखा है वो कौन सा है. मतलब अगर मैं मीडियम के अंदर, अगर सपोजली जैसे ग्लिसरीन के अंदर फील्ड कैलकुलेट करूं, वाटर के अंदर फील्ड कैलकुलेट करूं, तो हर बार फील्ड मुझे अलग अलग मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो क्या मुझे इससे ये पता चलेगा कि इन्होंने मैंने कौन सा फील्ड अप्लाई किया था, क्या उसका पता चलेगा या नेट फील्ड का पता चलेगा? सोच के देखो. अगर किसी मीडियम में आप सोचो कि अगर जैसे कि सोच के देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करो, आप अगर किसी एक मीडियम में एक चार्ज को रख देते हो तो ये चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग को भी पोलराइज कर देता है, करता है ना? तो पोलराइजेशन के बाद ही तो किसी एक थर्ड चार्ज को, अगर सपोजली यू नो, या सेकंड चार्ज को अगर आप वहां पे किसी लोकेशन पे रखते हो, तो वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ पहला वाला पॉइंट चार्ज के लिए फील करेगा या पोलराइज मीडियम की वजह से भी फील करेगा? मीडियम की वजह से फील. दोनों की फील करेगा, दोनों ही फील करेगा, पॉइंट चार्ज का भी फील करेगा और पोलराइज मीडियम का भी फील करेगा. तो सेम सिचुएशन तो यहाँ पे भी है. मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि आपने एक मैग्नेट को ही लेके सपोजली फील्ड क्रिएट किया, मान लो पानी के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप, फिर आप ग्लिसरीन के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर अल्कोहल के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो बार मैग्नेट जो फील्ड क्रिएट करेगा वो तो चेंज नहीं करेगा, बट मीडियम में मैग्नेटाइजेशन अलग अलग आएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी तो अलग अलग आएगा ना? अब सपोजली इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आपने किसी और मैग्नेट को प्लेस किया या करंट कैरिंग वायर को प्लेस किया, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो तो नेट फील्ड की वजह से एक्सपीरियंस करेगा ना, इंडिविजुअल का तो अलग अलग थोड़ी ना एक्सपीरियंस करेगा. समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? सो व्हाट वी वुड बी गेटिंग इज एन एस्टीमेट ऑफ द नेट फील्ड एंड नॉट द फील्ड दैट वी अप्लाइड. मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब हम कहते हैं ना, तो हम ऐसा एक क्वांटिटी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक ऐसा चीज हो जो मीडियम इंडिपेंडेंट हो, समथिंग विच इज मीडियम इंडिपेंडेंट. वो मतलब इस पे डिपेंड ना करे कि मीडियम आपने क्या अप्लाई कर रखा है. मतलब दिस वुड बी अ मेजर ऑफ व्हाट वाज द फील्ड दैट वी अप्लाइड टू मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस, एंड दैट इज व्हाई द नेम गिवन इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मैग्नेटाइजिंग मतलब क्या होता है, कौन मैग्नेटाइज कर रहा है, यही है ना? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग समथिंग विच इज यू नो विच इज यू नो इंड्यूसिंग मैग्नेटिज्म इन अदर थिंग्स? यस सर. राइट. So, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी इज ऑलवेज अ मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी. मैग्नेटिक फील्ड जो आप बोलते हो ना, ये हमेशा मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है. बट यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम जो कह रहे हैं ना, ये दिस इज समथिंग विच इज अ मीडियम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. दिस वुड नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम दैट यू हैव प्लेस्ड फॉर यू नो एनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग सोर्स. तो इसका जस्ट डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, अब वो लिख देता हूँ मैं आपको. सिग्निफिकेंस फिर अपने आप धीरे धीरे थोड़ा समझ आ जाएगा. अभी तो आपको थोड़ा समझ आया होगा, बट थोड़ा थोड़ा अपने आप समझ आ जाएगा. इफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन द नेट फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस changes and the magnetizing field and hence we need to define a quantity which would be independent of medium and would reflect the strength of the applied field and this quantity is termed as magnetizing field ये वाली क्वांटिटी आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है. मैथमेटिकली इसको जैसे डिफाइन करते हैं इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज एच वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर बाय म्यू नॉट माइनस ऑफ आई वेक्टर. यहां पे हियर बी वेक्टर इज the net field inside substance upon magnetization of I vector. ठीक है, अब ये रिजल्ट आ कैसे रहा है वो आपको थोड़ा समझाता हूं. इसको समझाने से पहले जस्ट आपको एक और चीज आपको बता दूं. एक चीज देखो, एच का और आई का डायमेंशन सेम होगा ना? एच का और आई का डायमेंशन सेम होगा या नहीं होगा? हाँ सर. ठीक है, तो इसीलिए जब आप एसआई यूनिट ऑफ एच की बात करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ एच, तो ये क्या आएगी आपके लिए? क्या आएगी? एम्पियर पर मीटर आएगा ना? हाँ सर. सेम एज आई वेक्टर. ठीक है, आई वेक्टर का डायमेंशन की तरह ही है. ठीक है, अब जैसे यू नो बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इंड्यूस्ड यू नो फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम म्यू नॉट इनटू आई कर रहे थे, याद है आपको? वैसे ही अगर मान लो कि आपने जो फील्ड अप्लाई कर रखा है जिसको आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड कह रहे हो, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अगर आपको बी में कन्वर्ट करना है तो आपको उस मीडियम का बी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, मतलब कि अगर उस मीडियम का म्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, बी से नहीं, उस मीडियम का म्यू से मल्टीप्लाई करना होता है. मतलब अगर मुझे बी चाहिए एच की वजह से, ठीक है, मतलब जो मैंने अगर फील्ड कहीं पे अप्लाई कर रखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच का अप्लाई कर रखा है, तो उसकी वजह से सपोजिटली मुझे सब्सटेंस के अंदर नेट फील्ड बी मिल रही है. तो अगर मैंने म्यू से, म्यू मतलब मीडियम का जो परमियाबिलिटी है, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैंने एच को तो मुझे बेसिकली बी मिल जाएगा. जैसे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके आई को मुझे बी इंड्यूस मिलता था, वैसे ही म्यू से मल्टीप्लाई करके एच को मुझे बी मिलेगा. तो देखो मैं इसको जस्ट लिख रहा हूं, ये ध्यान रखो आप. ये देखो, इफ वी वॉन्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ नेट magnetic field B vector inside a substance of permeability
परमियाबिलिटी म्यू, म्यू को आप म्यू नॉट इनटू म्यू आर भी लिखते हो, म्यू आर ये रिलेटिव परमियाबिलिटी है। और म्यू नॉट तो वैक्यूम का है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री एयर, फ्री एयर या फिर फ्री एयर तो नहीं, वैक्यूम ही ले देते हैं, वैक्यूम, ठीक है। If we want to get the value of net magnetic field inside a substance of permeability mu, then आपको just b की वैल्यू को mu into h वेक्टर करना होता है, b की वैल्यू को mu into h करेंगे। अब देखो इसको यूज करके, जस्ट ये आपको जानना है, इसको यूज करके ये वाला एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं, ये वाला जो h की वैल्यू को मैंने b by mu not minus psi लिखा है, देखो इसको डिराइव करते हैं, बस चेक करो। सपोजिटली हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, इमेजिन करो हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड, मान लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको कह रहे हैं, वो हमने अप्लाई कर रखा है, लेट अस से यहाँ पे जो हमने फील्ड अप्लाई किया है वो बी अप्लाइड की तरह लिख रहे हैं, ठीक है। अभी सिंस ये वैक्यूम है, यहाँ पे अभी कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, दिस इज वैक्यूम, ठीक है, दिस इज वैक्यूम। तो इस केस में अगर मुझे एच बी अगर लिखनी है तो बी अप्लाइड को, बी अप्लाइड को क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस इज म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर हो जाएगा, लिख सकते हैं, हाँ सर, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे सपोजली आप एक मीडियम डाल देते हो, ठीक है, लेट अस से आपने यहाँ पे एक मीडियम प्लेस कर दिया, ठीक है, ये मान लो ये मैग्नेटाइज भी हो गया, सो दिस हैज बीन मैग्नेटाइज नाउ, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें कुछ मैग्नेटाइजेशन भी आ चुका है। अब मैग्नेटाइजेशन आ चुका है तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो अब मैं दिखा रहा हूँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका बी हो चुका है, दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और नेट मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ इसका मतलब अप्लाइड फील्ड भी है और इसमें मैग्नेटाइजेशन भी है, इंक्लूडेड है ना दोनों में, है ना? हाँ सर, हाँ सर। अब अगर मैं बी वेक्टर को लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज बी अप्लाइड प्लस बी इंड्यूस्ड, इन दोनों का वेक्टर सम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ सर, हाँ ठीक है, ओके। अप्लाइड फील्ड को देखो हमने क्या लिखा था, म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर लिखा था, हाँ सर, और इंड्यूस फील्ड को हमने क्या लिखा था, म्यू नॉट इनटू आई वेक्टर लिखा था, हाँ सर। देखो यहां से आ गया, देखो एच वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर बाय म्यू नॉट माइनस आई, आई नहीं आई, देखो आई, हाँ देखो यहां से आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, जब डायरेक्टली ऐसे लिखा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्यों लिखा, बट अभी आपको समझ आ रहा है क्यों लिखा इसको, हाँ सर, समझ आ रहा है, ठीक है। आप ये याद रखो, देखो ये इम्पोर्टेंट ये है, बस ये देखो वो जस्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन उसको छोड़ दो, इम्पोर्टेंट ये वाला है जो b इक्वल टू म्यू एच लिखा है ना मैंने, b इक्वल टू म्यू एच, वो याद रखो कि h जो है वो मीडियम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, आप h जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मतलब जो हमने अप्लाई किया है और वो कभी चेंज नहीं करता है। देखो देखो इसमें देखो यहाँ पे देखो आप अप्लाइड फील्ड के लिए भी बी B की वैल्यू को जो मैंने लिखा है B applied is equal to mu not into H लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, लिखा है, हाँ, लिखा सर, है ना, हाँ सर। और अगर मैं मीडियम के अंदर भी लिखता तो भी H को चेंज नहीं करते, H को वही रहने देते, बट नेट फील्ड क्यों चेंज किया, क्योंकि permeability चेंज कर गई है। तो इसी को सोचो, इसी को अगर मैं यहां से अगर दूसरे स्टेप में अगर प्रोसीड करता, सपोजली इसी को अगर मैं ऑल्टरनेटिवली सोचो, अगर ऐसे प्रोसीड करता, यहां से सोचो अगर मैं दूसरे तरह से प्रोसीड कर रहा हूं, तो बी की वैल्यू को अगर मैं ऐसा लिखता, सोचो mu naught into mu r into h vector, ऐसा लिख सकता था नहीं लिख सकता था, and that would be mu naught into h vector and plus mu naught into i vector, कैसे लिख सकते थे या नहीं? हाँ सर, हाँ सर। तुम देखो, देखो h, देखो यहाँ पे जो h लिखा है मैंने, देखो इन दोनों में देखो जो h लिखा है और इसके साथ देखो, इसके साथ जो correlate करके देखो जो h लिखा है,
क्या ये दोनों एच सेम है या नहीं है? एच सेम है, बट डिफरेंस क्या है? पहले मीडियम वैक्यूम था, तो वैक्यूम में जो फील्ड है, फील्ड जिसको बोल रहे हैं, बी जिसको कह रहे हैं, वो म्यू नॉट पे डिपेंड कर रहा है, और मीडियम के अंदर जो फील्ड है वो उस मीडियम का म्यू पे डिपेंड कर रहा है। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। बट H देखो वो चेंज नहीं किया है, H मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो क्या हमने चेंज किया था? तुम बताओ मुझे, ये जो डायग्राम है, इस ये जो डायग्राम है, इसमें क्या मैंने जो व्हाइट लाइंस ड्रॉ किए हैं, क्या मैंने वो चेंज किए थे? नहीं सर। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का भी चेंज नहीं हुआ है, जो मैग्नेटाइज कर रहा है वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें वो क्वांटिटी को डिफाइन करने की जरूरत पड़ी थी। फाइनली देखो ये यू नो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हमेशा रहेगा आपको, अगर आप इस चीज को अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो। देखो आपको B और H को एक जैसा यू नो एक दूसरे का यू नो जैसे स्प्लिट की तरह सोचना है। स्प्लिट समझते हैं आप? स्प्लिट समझते हैं जैसे यू नो जैसे मल्टीपल यू नो मल्टीपल डिस यू क्या बोलते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर MPD, आप लोगों ने पढ़ा है कभी? जानते हैं आप MPD के बारे में, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर? हां सर। हां सर। मतलब एक ही आदमी के अंदर दो यू नो दो कैरेक्टर्स जीता है और वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह बिहेव करता है। मतलब कोई एक मतलब दोनों साइमल्टेनियसली कभी एक्टिव नहीं रहता है, दोनों साइमल्टेनियसली कभी एक्टिव नहीं रहता है, एक कैरेक्टर एक सिचुएशन पे एक्टिव रहता है तो दूसरा उस समय सोया हुआ रहता है। तो वैसे सिचुएशन यहाँ पे भी है। अगर अगर मुझे बी और एच की बात करें ना, तो मैं इनको एनालॉगस की तरह ट्रीट करता हूँ। मतलब एच जो है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है और इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड से मैं मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ और मुझे जस्ट एक कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। अगर वैक्यूम में मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो B की वैल्यू को मैं म्यू नॉट इनटू H लिख लूंगा, और अगर मैं मीडियम के अंदर कैलकुलेट करूंगा तो B की वैल्यू को मैं म्यू उस मीडियम का जो होगा उसके साथ H को मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आई क्या बोला मैंने? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, तुम्हें जानबूझ के यू नो ये सब चीजों पे यू नो क्वेश्चंस में काफी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज दिखेगा। जैसे कई बार क्या करते हैं वो बोलेंगे कि यू नो कि मैंने एक मीडियम ले रखा है, वहां पे एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिख रहा है मुझे 5 टेस्ला का। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का भी 5 टेस्ला का हो सकता है क्या? मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला उसने, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब क्या है? एच ना? हाँ, और एच का यूनिट क्या टेस्ला होता है? क्या एच का यूनिट कभी टेस्ला होता है? नहीं सर। नहीं सर। इसका मतलब तुम्हें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस ये है कि अगर मुझे उसने टेस्ला बोल रखा है, मतलब कि उसने मुझे एच नहीं दिया, क्या दिया उसने? बी दिया है ना? हाँ सर। और मुझे अगर एच चाहिए तो मैं B से μ को डिवाइड करके क्या H निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। समझ आ रही है? तो आपको यूनिट पे ध्यान देना है कि उसने क्या दे रखा है, नाम पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है until unless you know theoretically कुछ पूछ रहे हैं। तो अगर यूनिट दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान देना कि उसने टेस्ला लिखा है कि एम्पियर पर मीटर में लिखा है। अगर एम्पियर पर मीटर में लिखा है तो पक्का है वो H दिया उसने, और अगर टेस्ला दिया है तो उसने क्या दिया हुआ है? B दिया हुआ है आपको। समझ आई क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। हाँ सर। सो डोंट कंफ्यूज यूनिट्स का ध्यान रखना। जैसे ये बहुत ही एनालॉगस है, जैसे ऐसे सोचो, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक यू नो एक एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है और उस SHM का फ्रीक्वेंसी 4 radians per second है। SHM का फ्रीक्वेंसी 4 radians per second है। अब सोच के देखो, फ्रीक्वेंसी कभी रेडियंस पर सेकेंड में होता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। कौन सा चीज रेडियंस पर सेकेंड में होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना? हाँ सर। ओमेगा। इसका मतलब उसने ओमेगा दिया था मुझे, उसने एफ नहीं दिया था। तो एफ और ओमेगा कन्वर्टेबल है या नहीं एक दूसरे में? ओमेगा की वैल्यू को आप क्या लिखते हो, 2πf लिखते हो या नहीं लिखते हो? हाँ सर। मतलब अगर ओमेगा दे दिया और एफ चाहिए तो 2π से डिवाइड करना है, और अगर एफ दे दिया है और ओमेगा चाहिए तो 2π से मल्टीप्लाई करना है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे भी है। अगर आपको बी दिया हुआ है और एच चाहिए तो फिर आप क्या करो, बी को म्यू से डिवाइड कर दो, उस मीडियम का म्यू से, और अगर आपको एच दिया हुआ है और बी चाहिए तो फिर म्यू से मल्टीप्लाई कर दो। आर यू गेटिंग इट? हां सर। यस सर। कंफ्यूज नहीं करना बेटा इस पे, बहुत टाइम लेके आपको समझाया ये चीज को, कंफ्यूज नहीं करना बाद में, ठीक है? सो ये चीज का ध्यान रखना। बी वेक्टर राइट, एक मिनट, द टर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, magnetizing field are interchangeably used to represent
B vector as well as H vector. We come to know which one is given, which one is given by looking at their units. Their units. Units kya hai? B vector agar hoga, to ye kis mein hoga? Tesla mein hoga, ya fir Weber per meter square mein hoga. Theek hai? Weber per meter square kaise aa raha hai aapko pata chal raha hai? Flux density, magnetic flux per unit area, hai na? Haan sir. Theek hai? Aur agar H vector ki baat kar rahe hain aap, to ye H vector hamesha aapko ampere per meter mein milega. This will be in ampere per meter. ठीक है हाँ सर ओके अभी देखो यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट सा एक रिजल्ट बनेगा देखो इधर से लास्ट लाइन जो मैंने लिखा है मैथमेटिकल्स वाला उससे एक बार देखो क्या म्यू नॉट कट जा रहा है क्या हर तरफ से देखो हाँ कट रहा है और H वेक्टर को LHS में लेके आ जाओ तो I वेक्टर की वैल्यू को I वेक्टर की वैल्यू को क्या हम ऐसा ले सकते हैं दिस इज म्यू आर माइनस वन into H vector. क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या देखो तो हाँ medium के लिए उसका relative permeability वो तो एक fixed value होगा जैसे iron के लिए relative permeability क्या है या you know copper के लिए relative permeability क्या है वो तो fixed value होगा तो इसका मतलब ये medium dependent quantity कोई नहीं mu r minus one medium dependent हुआ हाँ sir right अब H vector क्या था H vector was magnetizing field मतलब हमने जो external magnetic field apply किया वो था और I वेक्टर क्या था मैग्नेटाइजेशन था कि सब्सटेंस में कितनी मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हो रही है तो I वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू H वेक्टर और नॉट हां सर यस सर एंड दिस इज लॉजिकल आल्सो कि जैसे अगर आप ज्यादा बड़ा स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ऑब्वियसली उस सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन भी तो ज्यादा होगी ना हां सर और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या डिसाइड करेगा कि सब्सटेंस कितना ज्यादा ससेप्टिबल है उस मीडियम में ससेप्टिबल है मतलब कि बेसिकली अगर आप एक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और अगर उसमें मैग्नेटाइजेशन ज्यादा आती है तो हम कहते हैं कि दैट सब्सटेंस इज मोर ससेप्टिबल टू द अप्लाइड फील्ड समझ आ रही है ससेप्टिबल कहने का मतलब है कि बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे अगर स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन अक्वायर करता है तो दी सब्सटेंस इज सेट टू बी मोर ससेप्टेबल टू दी अप्लाइड फील्ड इसीलिए म्यू आर माइनस वन को उसने एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया जिसको उसने बोला मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी तो इसको मैं अब यहां से एक नए सिंबल से इंडिकेट कर रहा हूं इसको कापा सिंबल से इंडिकेट करते हैं ये एच वेक्टर इनटू एक जस्ट एक यू नो के की तरह ही लिखते हैं थोड़ा सा टेढ़ा करके एंड दिस इज आई वेक्टर और ये जो सिंबल दिखा रखा है उसको ससेप्टेबिलिटी कह दिया ठीक है इसको यहां पे लिख देता हूं ये जो ससेप्टिबिलिटी का सिंबल है दिस इज म्यू आर माइनस वन इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ठीक है एंड इसका मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है एज आई वेक्टर इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच वेक्टर ग्रेटर the value of susceptibility greater will be the magnetization for a given magnetizing field पॉजिटिव वैल्यू इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या मीन करेंगे इसका मतलब आई वेक्टर और एच वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन में है या नहीं है हाँ सर सो अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी वुड मीन दैट सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड ठीक है पॉजिटिव वैल्यू का ये सिग्निफिकेंस है और नेगेटिव वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस होगा उल्टा अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी
would mean that substance is magnetized opposite to direction of applied field. ठीक है ना, इसीलिए जब ससेप्टिबिलिटी के हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो अगर मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि वो लोग सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, और अगर नेगेटिव की बात कर रहे हैं मतलब डायमैग्नेटिक। ठीक है, समझ आई सभी को? हाँ सर। हाँ सर। देखो जैसे H और B का जो मैंने आपको कोरिलेशन समझाया है उसको जस्ट समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो आपको एम्पियर सर्किट लॉ याद है? दिस इज ACL। आपको याद है क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL वाज म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज, याद है? हाँ सर। है ना, दिस इज इन, दिस इज इन वैक्यूम बेसिकली, मतलब अगर वैक्यूम में आप रहोगे तो की बात करते हैं, बट अगर मीडियम में रहोगे किसी और मीडियम में रहोगे तो उस केस में आप क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इनटू आई इनक्लोज। ये क्या लोगे आप? इन अ मीडियम ऑफ परमियबिलिटी म्यू, परमियबिलिटी, ओहो क्या लिखा, परमियबिलिटी म्यू। तो देखो ये जो बी डॉट डी एल में, अगर आप आर एच एस में देखोगे मीडियम डिपेंडेंट म्यू है तो बी भी मीडियम डिपेंडेंट हुआ ही नहीं हुआ? हुआ ही नहीं हुआ। अब सोच के देखो, अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय म्यू डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज, ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या ये क्वांटिटी अब एच बन गया क्या? देखो तो H dot DL is equal to I enclosed आया नहीं आया? हाँ सर। अब देखो क्या ये medium dependent quantity है? नहीं। अभी यहाँ पे कहीं medium दिख रहा है क्या आपको? इस equation में final equation में medium है? नहीं। Exactly वही है। अगर सोचो जैसे supposedly यहाँ पे current carrying wire है, supposedly ये current carrying wire है, तो मैं पूछूँ कि यहाँ पे इसके r distance पे ये कितना field produce कर रहा है? ये कितना field produce कर रहा है? तो ये कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या ये मीडियम डिपेंडेंट होना चाहिए? नहीं सर। नहीं, वही चीज निकालने के लिए बेसिकली ये हमने h क्वांटिटी को डिफाइन किया है। अगर मीडियम ये चेंज कर दोगे, सपोजली ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन भी तो होता ना, और अगर मैग्नेटाइजेशन होता नेट फील्ड भी आपका डेफिनेटली चेंज हो जाता। तो वो जो नेट फील्ड है वो मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बट मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या मीडियम डिपेंडेंट है? नहीं। ठीक है, तो बेसिकली उसी चीज पे एम्फेसिस है बेसिकली। ठीक है, H वेक्टर बेसिकली उसी चीज को एम्फेसाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, सबको समझ आ गया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। देखो तीन तरह के आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, एक है डायमैग्नेटिक, एक है पैरामैग्नेटिक एंड तीसरा है आपका फेरोमैग्नेटिक। एक एक करके तीनों को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक। आपको याद हो तो मैंने इसका डिस्कशन आपको थोड़ा सा यू नो इन तीनों टाइप्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन आपको एकदम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही किया था।
जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में एग्जिस्ट करेंगे वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया सबसे पहला। तो अगर अगर आप सोचते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो फिर किसी भी एक ऑर्बिटल में सोचोगे तो ऑर्बिटल में हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। तो उस केस में सोचो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं सोचूं कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा होगा तो वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एंड सिंस दोनों सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर उस केस में एक का मैग्नेटिक मोमेंट जितना आएगा मैग्नीट्यूड में दूसरे का भी सेम आएगा और दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा क्योंकि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट नेट अगर देखोगे तो उस एटम का जीरो आएगा। सो द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सच एन एटम विल बी जीरो, बट दिस विल बी इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट अपॉन अप्लाइंग एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दीज सब्सटेंसेस गेट मैग्नेटाइज्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाउ हाउ डज दिस हैपन, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। पहले जितनी बात मैंने बोली है उसको पहले लिख लेते हैं जल्दी, ठीक है। सच सब्सटेंसेस डोंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस द नेट मैग्नेटिक moment of each atom individually is zero. Individually is zero in absence of external magnetic field. But when exposed to external field, they get weakly magnetized. Weakly magnetized opposite to the direction of magnetizing field. दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वीकली मैग्नेटाइज होता है और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा, वीकली है एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। अब ये कैसे होता है उसको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं इन एब्सेंस ऑफ फील्ड अगर ड्रॉ करूं, पहले इन एब्सेंस ऑफ फील्ड दिखा रहा हूं, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो उस केस में सोचो कि जैसे सेंटर पे न्यूक्लियस मान रहे हैं, जैसे सेंटर पे न्यूक्लियस है एंड मान लो कि यू नो कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो बेसिकली आपका किसी एक डायरेक्शन में घूम रहा है, मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। इसी ऑर्बिट का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, इसी ऑर्बिट का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो ठीक उल्टे तरफ घूम रहा होगा, सेम ऑर्बिट का है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो उल्टा तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखोगे अगर आप, तो गोल गोल घूमने के लिए इनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है वो कौन देता है, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस केस में अगर देखोगे सिंस दोनों का ऑर्बिट एक ही है, बोथ हैव द सेम ऑर्बिट, तो इस केस में दोनों की स्पीड सेम होगी बट डायरेक्शन ऑफ मोशन उल्टी है, तो इसलिए एक की मैग्नेटिक मोमेंट जितनी आएगी दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट नेगेटिव आएगी, है ना, आएगी, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, हाँ सर। जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है देखो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब थंब हमारा इनवर्ड आएगा, बट ये नेगेटिव चार्ज है तो करंट हमारा क्लॉकवाइज नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर थंब घुमाओगे तो बाहर की तरफ आएगा, मतलब इस एटम के इस इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है वो बाहर की तरफ आ रही है, दिस इज कमिंग आउट आउटवर्ड्स, this is outwards का magnetic moment and this will be m1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड्स है और इसकी m2 मान लेते हैं। तो इसमें अगर आप m1 और m2 का अगर वेक्टर सम करोगे, m1 और m2 का वेक्टर सम करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, रीजन बीइंग सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ m1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m2 एंड देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट इसकी जीरो आ रही है, ठीक है।
अब आपने क्या किया, अब मान लो कि आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, लेट अस से कि अब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, इसी को फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। अब ये एब्सेंस नहीं है, प्रेजेंस में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं हमने अप्लाई कर रखा है अंदर की तरफ, ठीक है, ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उस पर भी फोर्स लगेगा, Q into V cross B करके देखो किस तरफ आ रही है। देखो इसमें पहला वाले इलेक्ट्रॉन के लिए दिखा रहे हैं, देखो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, V cross B करो देखो आपको राइट की तरफ दिखेगा, बट सिंस ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स क्या देगा, सेंटर की तरफ आएगा, दिख रही है आपको? हाँ, दिख रही है, ठीक है। बट वही अगर दूसरे वाले चार्ज के लिए देखोगे, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखोगे तो इसके लिए वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और इसके ऊपर फोर्स अगर निकालोगे तो रेडियली आउटपुट आ जाएगा, दिख रही है आप सबको? ठीक है, तो इस केस में जैसे अगर आप एक चीज देखोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो बढ़ गया ना, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ही, अभी भी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी भी है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके साथ साथ अभी मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया, तो सेंटर की तरफ फोर्स बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? हाँ सर। और रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर फिक्स्ड है तो एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर अगर करोगे आप तो एफ बढ़ गया तो वी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा नहीं करेगा? ठीक है, तो देखो अगर पहले की इसकी स्पीड अगर मैंने v दिखा रखी थी तो अभी अगर इसकी स्पीड v1 दिखाऊं तो पक्का है v1 की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन v, करेक्ट है, है ना, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स हमारा क्या हो चुका है, इंक्रीज कर चुका है, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने से जो स्पीड है वो आपका क्या हो चुका है, इंक्रीज कर चुका है, बराबर? हां सर। ठीक है, अभी दूसरे वाले के लिए अगर आप देखोगे तो जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो तो बाहर की तरफ है और सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए था जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो सेंटर की तरफ फोर्स घट गई है, अगर सेंटर की तरफ फोर्स घट गई है तो इस केस में डेफिनेटली रेडियस फिक्स होने की वजह से जो स्पीड होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, फिर से सेम लॉजिक है। तो अगर इसकी स्पीड पहले वी थी और अभी मैंने वी टू दिखा रखी है तो श्योर होकर कह सकते हैं कि वी टू की वैल्यू इज लेसर देन वी वन, कह सकते हैं ना, सॉरी लेसर देन वी, कह सकते हैं ना? स्पीड घट गई है, तो अब आप सोच के देखो जो इनका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो तो अभी भी वही है, अभी भी मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही है, बट देखो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, यू नो करंट इक्विवेलेंट इनटू यू नो पाई आर स्क्वायर करके, तो करंट इक्विवेलेंट जो है बेसिकली अगर तुम नोटिस करोगे तो करंट की वैल्यू बढ़ गई ना, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में करंट की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि स्पीड ऑफ चार्ज बढ़ गई है, और सेकंड वाले केस में जो स्पीड है वो तो घट गई है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने बाहर की तरफ दिखा रखा है, सॉरी पहले केस में जो बाहर की तरफ दिखा रखा है m1 डैश और दूसरे केस में जो अंदर की तरफ दिखा रखा है वो m2 डैश, ठीक है, पक्का है इस बार m1 डैश की जो वैल्यू है वो m2 डैश से तो बड़ी है ना, राइट? समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो इन दोनों का वेक्टर सम क्या जीरो आएगा, ये जीरो इस बार नहीं आएगा, समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो अगर वेक्टर सम जीरो नहीं है इसका रीजन क्या है, क्योंकि m1 डैश की मैग्नीट्यूड m2 डैश से क्या है, बड़ी है, दिस इज ग्रेटर देन m2 डैश, समझ आइए, एक इलेक्ट्रॉन स्पीड अप हो गया है और दूसरा स्लो डाउन हो गया है, और जो स्पीड अप हुआ है उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है, तो इसका मतलब है जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया है m1 डैश वेक्टर प्लस m2 डैश वेक्टर, जिसको हम नेट मैग्नेटिक मोमेंट कह रहे हैं, आप ये देखो कि इसका डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है नहीं है, इज आउटवर्ड्स, क्योंकि फर्स्ट वाले का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का आउटवर्ड्स था और सेकंड वाले का इनवर्ड्स था, और आउटवर्ड्स वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बड़ा है कंपेयर टू इनवर्ड्स वाला, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ आ रहा है, इज ऑपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऑपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, समझ आया सभी को? ठीक है, तो ये सब्सटेंस कैसे मैग्नेटाइज होता है ये समझ में आ गया है, ठीक है ना?
रीजन अगर आपसे कोई पूछे, कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब जिस तरफ आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोलो क्यों मैग्नेटाइज होते हैं, तो इसका रीजन आप ये बोलोगे कि जब आप यू नो इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं जो ऑर्बिट में है, तो उसमें से एक मतलब इलेक्ट्रॉन को गोल गोल चक्कर काटने के लिए बेसिकली सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए होती थी, तो पहले ये फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देती थी, बट अब मैग्नेटिक फोर्स भी यू नो एक रेडियल डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, और देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो सेंटर की तरफ ही होती है और दूसरे के लिए सेंटर से अवे होती है, तो एक केस में सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ जाती है और दूसरे केस में सेंट्रिपिटल फोर्स डिक्रीज कर जाती है, एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट फिक्स होने की वजह से जो स्पीड है एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो बढ़ जाती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए घट जाती है, अगर स्पीड बढ़ जाएगा इसका मतलब जो करंट है इक्विवेलेंट उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से वो भी बढ़ गया, स्पीड घट गया इसका मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इक्विवेलेंट करंट है वो भी घट गया, अब करंट घट गया मतलब मैग्नेटिक मोमेंट घट गया, करंट बढ़ गया मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ गया, तो फाइनली जो दिख रहा है हमें कि जो जिस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ा है वो बेसिकली आपका ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इसीलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ रही है, क्लियर है सबको समझ आई है? ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है अब और भी वो क्या है जैसे अगर आपको याद हो तो हमने जो फॉर्मूला यू नो डिराइव किया था आई के लिए यू नो मैग्नेटाइजेशन के लिए, वो आई की वैल्यू याद है आपको susceptibility into H vector थी, याद है आपको? हाँ सर। अब देखो आपने already decide कर लिया कि जो magnetization हो रही है वो तो opposite direction में हो रही है, opposite direction में with respect to क्या है? Applied field है, इसका मतलब कि I की value अगर आप देखोगे तो H के respect में negative I की नहीं आएगी, मतलब H positive हुआ तो I negative होगा, अगर H negative हुआ तो I क्या होगा? Positive होगा, होगा नहीं होगा? होगा नहीं? हाँ सर। So the intensity of magnetization, जिसको हम I वेक्टर कह रहे थे, is small, छोटी होनी है, negative with respect to applied field. ठीक है, इसी relation से basically वो पता चल रहा है. तो इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी क्या है आपका स्मॉल एंड नेगेटिव होगा, ससेप्टिबिलिटी भी आपकी स्मॉल एंड नेगेटिव होगी. ठीक है, तो इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पूछते हैं आपसे कि आई को अगर हमने प्लॉट किया अगेंस्ट एच, मतलब हम अप्लाइड फील्ड को अगर बढ़ाते जाए तो एच कैसे आई कैसे चेंज करेगा, तो उसकी ग्राफ क्या आती है, ऑलमोस्ट एक लीनियर ग्राफ आती है, ऐसी एक लीनियर ग्राफ आती है, बट इसका जो ये जो एंगल है ये एंगल थीटा जो है ये बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि अगर ये थीटा बड़ा होगा इसका मतलब है कि आई और एच बेसिकली क्या है काफी यू नो कंपेरेबल वैल्यूज है, बट आई की वैल्यू एच के कंपेरिजन में काफी छोटी होती है, इसलिए ये जो थीटा होना चाहिए आपका काफी स्मॉल होगा, थीटा विल बी वेरी स्मॉल होगा, ये टैन थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे आप तो इससे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ससेप्टिबिलिटी मिल जाएगी, एंड दिस ऑब्वियसली हैज टू बी वेरी स्मॉल, थीटा विल बी वेरी स्मॉल. समझ आई आपको? ठीक है, इसमें जैसे एक परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर किसी को कोई बोले ना परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हम उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई भी नेट यू नो फील्ड नहीं मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती है, नेट फील्ड नहीं मिलना, नेट फील्ड कब नहीं मिल सकता है सोच के देखो, अगर मैंने जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई किया है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर उतना ही फील्ड क्रिएट हो जाए तो उस केस में क्या कोई नेट फील्ड उस सब्सटेंस के अंदर बचेगी? नहीं सर. और ऐसे सब्सटेंस को हम बेसिकली परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये प्रॉपर्टी आपको सुपर कंडक्टर में दिखेगा, सुपर कंडक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना जान के रखो कि सुपर कंडक्टर एक ऐसा यू नो कंडक्टर है जिसके लिए यू नो जिसको हम परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, और उसके लिए अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस के अंदर निकालोगे तो वो जीरो आएगी, और उसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो आती है वो आपकी -1 आती है, क्योंकि अगर वो -1 हो गया तो उस केस में आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जस्ट नेगेटिव ऑफ एच वेक्टर हो जाएगा, तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो जीरो आ जाएगा. ठीक है, तो उसको जैसे याद रखिएगा, नोमेनक्लेचर जैसे याद रखिए, सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक परफेक्ट या फिर आइडियल भी कह सकते हैं, आइडियल डायमैग्नेटिक substance as the net
magnetic field inside them upon application of external field becomes zero. ठीक है, तो therefore इससे आपको ये समझ में आएगा कि इनका जो susceptibility होगा, this will be minus one for superconductors. एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, जैसे अगर आपको याद हो तो हमने susceptibility की जो बात की थी, तो susceptibility जो था आपका mu r minus one था, याद है आपको? याद है? और अभी आपने ये देखा कि susceptibility की वैल्यू एक नेगेटिव क्वांटिटी थी, मतलब लेस देन जीरो थी. तो इसका मतलब इस सब्सटेंस के लिए अगर मैं रिलेटिव परमियाबिलिटी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो लेस देन वन आएगी, नहीं आएगी? ठीक है, तो रिलेटिव परमियाबिलिटी ऐसे सब्सटेंसेस के लिए लेस देन वन होगी, बट काफी क्लोज टू वन होगी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी खुद बहुत छोटा है, यू नो, मैग्नीट्यूड में. तो इसीलिए ससेप्टिबिलिटी अगर बहुत छोटा है मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए जस्ट ये वन से जस्ट थोड़ा सा, यू नो, जस्ट थोड़ा सा छोटा आता है. सो रिलेटिव permeability is less than one but close to one. ठीक है, वन से क्लोज होगा, बट मतलब वन से छोटा होगा बट काफी क्लोज होगा वन से. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि नो, कि जैसे ऐसे सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रेस्पेक्ट में. तो ऐसे सोच के देखो, जैसे आप अगर किसी सब्सटेंस को कहते हो डायमैग्नेटिक है और ऐसे सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल फील्ड के सामने ला के रखते हो, तो इजंट इट ऑब्वियस कि जैसे अगर आप मान लो कि एक ऐसे सोच के देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे हम ऐसा एक एक्सटर्नल बार मैग्नेट रख रहे हैं, ठीक है, एक बार मैग्नेट हमने रखा यहाँ पे, मान लो इसका नॉर्थ पोल इधर है, तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइन्स आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है, दिस इज़ अ बार मैग्नेट. अब मान लो कि इसकी फील्ड में मैंने यहाँ पे कोई एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया, यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, तो अब आपको ये पता है ना कि इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, तो मतलब इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट इसका जनरेट होगा वो लेफ्ट की तरफ जनरेट होगा. तो इसमें अब आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें जो इंड्यूस्ड नॉर्थ पोल होगा और जो इंड्यूस्ड साउथ पोल होगा वो पोलैरिटी में ऐसा दिखेगा, मतलब नॉर्थ पोल लेफ्ट की तरफ एंड साउथ पोल राइट की तरफ, ऐसा ही होगा ना? होगा नहीं होगा? तो इस केस में देखो नॉर्थ नॉर्थ पास में है ना, और नॉर्थ नॉर्थ पास में, तो उस केस में क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक रिपल्शन आएगा ना? आएगा? हाँ. और रिपल्शन हुआ तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये किस तरफ जाएगा, बार मैग्नेट की तरफ जाएगा या बार मैग्नेट से अवे जाएगा? अवे जाएगा. तो अवे अगर जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जा रहा है या वीकर फील्ड की तरफ जा रहा है? वीकर फील्ड की तरफ जा रहा है. तो इसीलिए आप ये याद रखना कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनका टेंडेंसी हमेशा एक स्ट्रॉन्गर फील्ड से एक वीकर फील्ड की तरफ जाने का होता है. ठीक है, समझ आई आपको? तो सच सब्सटेंसेस, सच मतलब डायमैग्नेटिक, ठीक है, क्योंकि सारा डिस्कशन डायमैग्नेटिक हो रहा है अभी. सच सब्सटेंसेस अक्वायर अ वीक मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. And hence, they are weakly repelled. Weakly repelled by the magnetizing field from stronger towards weaker field
रीजन. समझ आई आपको? हाँ सर. रीजन का ध्यान रखना, इस पे जो फोर्स होगा वो आपका इस तरफ लग रहा है, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब इस पे बेस करके छोटे छोटे यू नो एनालिटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं. जैसे इस कंसेप्ट पे बेस करके मैं दिखा रहा हूँ आपको. जैसे मान लो कि यू नो कि अगर एक ऐसा यूट्यूब है, मैं इमेजिन करो ये देखो, तो हमने क्या कर रखा है, मान लो यहाँ तक लिक्विड फिल कर रखा है, यहाँ तक लिक्विड फिल किया है, और मैं कह दे रहा हूँ आपको कि ये जो लिक्विड है ये बेसिकली आपका एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. दिस लिक्विड इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. दिस इज डायमैग्नेटिक, ठीक है. और मान लो कि मैंने यहाँ पे एक इसके एक लिंब के पास, इसके एक लिंब के पास मान लो बार मैग्नेट्स ऐसे प्लेस कर रखे हैं. लेफ्ट लिंब के पास में मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है. तो जब बार मैग्नेट के लिए जब आप फील्ड देखते हो तो फील्ड यहाँ पे कैसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है, नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा, ऐसा ही कुछ होता है ना फील्ड, होते नहीं होता? ठीक है. अभी आप देखो इसमें जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो देखो दो पोल पीसेस के बीच में जब प्लेस्ड है तो उस केस में देखोगे तो बीच में तो फील्ड सबसे ज्यादा होगा, और जैसे जैसे दूर की तरफ जाते जाओगे तो फील्ड स्ट्रेंथ आपका क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाएगा. तो अगर दूर की तरफ जाने से फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है तो दूर आप दो तरह से जा सकते हैं, एक ऊपर जाके जा सकते हैं और एक नीचे जाके भी जा सकते हैं, है नहीं है? है नहीं है? ये लिक्विड का जो लेवल है, ये लिक्विड का लेवल इसमें चेंज करने के लिए देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपको पता है कि वीक ऑफ फील्ड की तरफ मूव करेगा. तो सेंटर से आप ऊपर जाओगे और सेंटर से अगर नीचे जाओगे मतलब पोल पीसेस के बीच में, तो दोनों तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी. इसमें ऊपर जाओगे अगर तो भी फील्ड डिक्रीज करेगी और नीचे जाओगे तो भी फील्ड डिक्रीज करेगी. अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नहीं हो रहा है, एक मिनट मैं थोड़ा इसको और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि स्पेसिंग बढ़नी चाहिए, अगर फील्ड डिक्रीज कर रही है तो वो दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से हो जाएगा. देखो आपको दिख रही है स्पेसिंग बढ़ गई है ना, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ठीक है. और स्पेसिंग बढ़ने का मतलब क्या है, वीकर फील्ड है तो ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है. बट अगर ये लिक्विड का लेवल ऊपर गया देखो, तो उस केस में जो नीचे में जो लिक्विड था जो वीकर फील्ड में था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव कर जाएगा, है नहीं? हाँ. ये इमेजिन करो यहाँ पे जो लिक्विड है यहाँ पे, ये लिक्विड अगर ऊपर उठ गया तो फिर उस केस में क्या वो स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ नहीं चला जा रहा है? हाँ. और ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, है ना? हाँ. इसीलिए ये लिक्विड का लेवल ऊपर नहीं जाएगा, किधर जाएगा वो, नीचे जाएगा ना. हाँ. समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहाँ पे इस लिक्विड का लेवल होगा ना वो डिक्रीज कर जाएगा. तो आपको दिखेगा क्या पता है इसमें, अगर दिखेगा इसी का अगर मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, मतलब जो आपको सिनेरियो बाद में दिखने वाला है मैंने स्टडी स्टेट में, तो कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे दिखा देता हूँ एट स्टडी स्टेट, मतलब जब स्टडी स्टेट आने का इंतजार करोगे तब जो दिखेगा आपको. आई होप आपको समझ आ रहा है. हाँ सर. ठीक है, तो इसमें पहले दोनों तरफ का लिम में लेवल इक्वल था,
बट आप देखिएगा कि जिस साइड आपने बार मैग्नेट का फील्ड यू नो लिम में दिया था उस साइड लेवल डिक्रीज कर जाएगी और दूसरी साइड क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी. ठीक है. अगर मान लो कि अगर ऐसे एक और एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ. मान लो ऐसा सिचुएशन है जैसे ये सब थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. यू नो आप सब समझते हो चीजों को तभी आंसर कर पाओगे. जैसे मान लो यहाँ पे दो पोल पीसेस है, ये बहुत क्लोज प्लेस्ड है, यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ है. और ऐसा ही एक और पोल पीसेस मैंने इधर प्लेस किया, ये मान लो नॉर्थ और यहाँ साउथ. इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है बताओ मुझे, क्या डिफरेंस है दोनों डायग्राम में? सर दोनों मध्य डिस्टेंस का स्पेसिंग स्पेसिंग किसी के लिए है. तो दो जो पहला डायग्राम है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों बहुत पास में है और दूसरे डायग्राम में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को थोड़ा दूर रखा है. तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो जैसे ऐसे सोचो कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज बहुत पास पास रखा हुआ है और दूसरे केस में सोचो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दूर में रखा हुआ है. तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आपने एकदम पास पास में रखा है वहां पे फील्ड जो बीच में होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा नहीं होगा? हाँ, ऐसे सोचो जैसे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया आपने और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, सॉरी एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा नहीं होगा जो डॉट मार्क किया मैंने? हाँ, सर. और यहाँ पे फील क्या होगा, वीकर होगा या नहीं होगा? हाँ. समझ आ रही है? अभी सोचो, अब इसको सिचुएशन को थोड़ा सा रिवर्स करो. अब सोचो मैंने क्या किया, यहाँ पे चार्ज लिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लिया. अब इसके क्लोजर रहोगे तब बहुत फील स्ट्रॉन्गर होगा, इसके क्लोजर रहोगे तब बहुत फील स्ट्रॉन्गर होगा, बट अगर बीच में खड़े रहोगे तो रिलेटिवली वीकर मिलेगा ना? ठीक है. तो इस केस में सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे इसके इधर रहूं, यहाँ रहूं, यहाँ पे पॉइंट ए मार्क कर रहा हूँ और यहाँ पे पॉइंट बी मार्क कर रहा हूँ, बताओ कहाँ पे फील स्ट्रॉन्गर है? ए पे स्ट्रॉन्गर है या नहीं? ए पे. समझ आ रही है आपको? हाँ सर. एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है. ठीक है, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है. तो फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे, फर्स्ट केस में दोनों पोल पीसेस के बीच में फील्ड आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरे केस में अगर देखोगे तो इंडिविजुअली पोल पीसेस के पास में आपका क्या होगा, फील स्ट्रॉन्गर मिलेगा. तो मान लो कि अगर आपने यहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन दे रखा है कि यहाँ पे एक बाउल ले रखा है, मान लो यू हैव टेकन अ बाउल ऐसा और इस बाउल में मान लो आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को भर रखा है. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ रहते हैं या वीकर फील्ड की तरफ जाना प्रेफर करते हैं? तो बीच में तो फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग है तो बीच में कम लिक्विड रहना चाहेगा और साइडवेज क्या होगा, ज्यादा लिक्विड रहना चाहिएगा. तो लिक्विड का जो शेप आपको दिखेगा ना वो कुछ ऐसा दिखेगा. समझ आ रही है आपको? आई गेट इट. हां ठीक है, क्योंकि बीच में फील स्ट्रॉन्गर है तो वो बीच में नहीं रहना चाहेगा, वो वीकर फील्ड की तरफ रहना चाहेगा क्योंकि वीकर फील्ड की तरफ रिपेल्ड होता है. वही दूसरा डायग्राम अगर आप देखोगे, दूसरा वाला डायग्राम अगर चेक करोगे तो देखो इसमें फील्ड ज्यादा कहां पे मिलेगा उसको, पोल पीसेस के पास में और बीच में फील्ड रिलेटिवली वीकर मिलेगा. तो उस केस में उसका जो ज्यादातर लिक्विड कहाँ होगा, बीच में रहना चाहेगा. तो उस केस में बीच में ऐसे बल्ज हो जाएगा लिक्विड, यू नो ऐसा. आर यू गेटिंग इट? हां सर. यस सर. ठीक है, तो आपको ऐसे कंपैरेटिव डायग्राम देखो, तुमको अगर ये दोनों डायग्राम कंपैरिजन के लिए नहीं दिखाएं तो तुमको समझ में भी नहीं आएगा. तो ये दोनों डायग्राम कंपैरेटिव अगर होगा तभी आप ये चीज ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कम ज्यादा होना चाहिए. अगर पोल पीसेस बहुत पास में रखे हुए हैं तो फिर बीच में फील काफी स्ट्रांग होता है. अगर पोल पीसेस दूर में रखे हुए हैं तो फिर जो इंडिविजुअल पोल्स हैं उनके पास में फील स्ट्रॉन्गर होगा. तो फिर उनसे दूर की तरफ जब जाओगे तब फिर आपका यू नो ज्यादातर यू नो लिक्विड रहना चाहिए. ठीक है, समझ आइए सबको एग्जांपल्स? हाँ सर. हाँ सर. दीज आर ऑल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एग्जांपल अभी दिखा रहा हूँ. ठीक है. ओके, एक और एग्जाम्पल है. जैसे अगर कोई भी चीज, जैसे अगर मान लो कोई भी चीज अगर हवा में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फ्लोट कर पा रही है, हवा में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फ्लोट कर पा रही है. ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक सोलेनोइड लगा दिया, सपोजली ऐसा एक सोलेनोइड इमेजिन करो.
इसमें करंट मान लो इधर जा रही है, तो इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील है ऐसे ही, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील है। अब मान लो कि इसके पास में आपने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इससे रिपेल्ड होगा या नहीं होगा? होगा ना? हाँ सर। राइट, इसका मतलब इसमें एक इंड्यूस नॉर्थ पोल किधर आएगा, नीचे की तरफ, और साउथ पोल किधर इंड्यूस आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। यस सर। तो इसमें एक रिपल्शन फोर्स फील हो रहा है इसको, तो ये एक फोर्स ऑफ रिपल्शन इसको फील हो रहा है, ये किसकी वजह से है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही है ना? यस सर। तो ये इसके वेट को बैलेंस करने का भी सिनेरियो क्रिएट कर सकता है या नहीं? इसके वेट को बैलेंस कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर मान लो कि सफिशिएंटली स्ट्रांग फील्ड क्रिएट हो जाए, यू नो, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो जाए, तो फिर उस केस में क्या इसको बैलेंस कर सकता है, नहीं कर सकता वेट को? हां सर। तो इसको हम मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन, इफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन is equal to mg, the object can float in air, float in air, this is magnetic levitation, magnetic levitation, ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी है ये फ्रॉग्स में देखी गई है, मतलब फ्रॉग का जो फ्रॉग्स को एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल के ऊपर रखा गया था और देखा गया कि वो हवा में फ्लोट कर सकता है, तो ये चीज को जस्ट याद रखिएगा कि फ्रॉग्स में भी ऐसा होता है, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। एक चीज जो अब इससे रिलेटेड ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वीक मैग्नेटाइजेशन अक्वायर करता है अपने अंदर में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं इस सब्सटेंस के अंदर अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करूं, तो विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फील्ड मुझे नेट फील्ड कम मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, इस सब्सटेंस के अंदर में, क्योंकि इसका मैग्नेटाइजेशन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में सब्सटेंस के अंदर में जब आप नेट फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो घट जाएगी, और नेट फील्ड को घटना हम फील्ड लाइन के स्पेसिंग से कैसे दिखाते हैं, इंक्रीज करके दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? हाँ, है ना? तो इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं कि जब आप इसको, इस तरह के सब्सटेंस को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो ये लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसको रिपेल करते हैं, अपने सब्सटेंस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसी से स्पेसिंग जो होती है उनकी इंक्रीज कर जाती है। मतलब ये कुछ ऐसा सिनेरियो सोचो, जैसे अगर इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रखा है, देखो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, एंड मान लेते हैं कि मैंने ऐसा एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया है, दिस इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मान लो कि इसको ही मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, इसके अंदर ले जाके रख दिया, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि अगर मैं इसके स्टेडी स्टेट का डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट अगर कोई मुझसे पूछे कि अब क्या दिखेगा आपको, तो अब आपको पता है कि ऐसा सब्सटेंस खुद क्या हो चुका है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुका है, दिस इज इटसेल्फ मैग्नेटाइज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो अभी मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख रहा हूँ, तो अभी इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो फील्ड को डिक्रीज करता हूं हम कैसे दिखाते हैं, जैसे यहां से फील्ड लाइंस अगर आ रहे हैं ऐसे, सोचो ये फील्ड लाइंस हैं, तो बीच वाला जो फील्ड लाइन ऐसे आ रहा था वो क्या होगा, थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे बल्ज आउट हो जाएगा और फिर वापस से ऐसा आ जाएगा, आई यू गेटिंग द फील क्या हो रहा है? हां सर। ये देखो, इसको कहते हैं कि सच सब्सटेंसेस रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट ऑफ देम, ठीक है, और आउट ऑफ देम कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली फील्ड लाइंस को बाहर पुश करने का मतलब क्या है, क्योंकि इस सब्सटेंसेस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन अक्वायर होती है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको इस सब्सटेंस के अंदर घटा के दिखाना है, और फील्ड को घटा के कैसे दिखाते हैं, स्पेसिंग बढ़ा के,
तो स्पेसिंग बढ़ने का मतलब ही है बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि फ्रीलांस को ये रिपेल कर देता है. समझ आई सबको बात? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है. एज द मैग्नेटाइजेशन acquired is opposite to magnetizing field, the net magnetic field inside them decreases with respect to applied field. Decreases with respect to applied field, and hence the spacing between the field lines increases inside them. And thus we say that the field lines are weakly repelled out of such substances. समझ आया सभी को? हाँ सर. अगर यही मान लो कि अगर ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे अगर ये सुपर कंडक्टर होता तो उस केस में क्या डिफरेंस आता? एक भी फील्ड लाइन इस कंडक्टर के थ्रू, मतलब ये जो सुपर कंडक्टर है उसके थ्रू पास नहीं करता है ना, क्योंकि आपको पता है कि उस तरह के सब्सटेंस में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? जीरो जाती है. तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो उस केस में क्या एक भी फील्ड लाइन पास कर सकती है उसके थ्रू? सर नहीं. ठीक है, तो उस केस में सारा फील्ड लाइन को आपको क्या करना होता है? बाहर से दिखाना होता है. ठीक है. हाँ सर. ठीक है. नेक्स्ट चीज ये है कि जो इसकी इस सब्सटेंसेस के जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं. मतलब अगर आप गर्म करो ठंडा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके टेम्परेचर चेंज करने से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो चेंज नहीं करती है. इसका रीजन ये है कि जैसे हम जब मैग्नेट टेम्परेचर जैसे बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उससे बेसिकली हम क्या करते हैं ना, रैंडमनेस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं. यू नो रैंडमनेस को, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा बेसिकली. तो रैंडमनेस बढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन है एक पेयर के, एक क्लॉकवाइज स्पिन का है और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का है. तो जो भी फर्क एक को पड़ेगा वही फर्क दूसरे को भी पड़ेगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या करते हैं, नलीफाई कर देते हैं. तो इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस का जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आता है. तो ये चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कैसे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होती है. ठीक है. द मैग्नेटिक susceptibility is temperature independent. इसका ग्राफ अगर कोई पूछे तो ऐसा देखिएगा आपको, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ले रहे हैं और यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हैं, तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू दिखनी है आपको. दिस विल बी कॉन्स्टेंट वैल्यू, मतलब वो चेंज नहीं करेगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे अगर कोई पूछे कि डायमैग्नेटिज्म आपको किस तरह के सब्सटेंस में दिखेगा, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तीनों ही यू नो स्टेट्स ऑफ मैटर सब में ये दिखता है. सो एग्जिबिटेड बाय सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस, तीनों स्टेट्स में आपको दिखना है. ठीक है. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं इसके, अगर एग्जाम्पल पूछे आपसे कि यू नो डायमैग्नेटिज्म जो शो करते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है, तो जस्ट कुछ नाम आप याद रखिए, बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड, वाटर, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऐसे बहुत सारे हैं. बस कुछ एग्जाम्पल याद रखोगे तो इतना ही काफी है. This is all about diamagnetism. Diamagnetism में जितना जानना था आपको वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है. अभी तक कोई confusion? नहीं सर. No sir. नहीं सर. ठीक है. ठीक है.
चलो अभी पैरामैग्नेटिज्म करते हैं, ठीक है मेरा पैरामैग्नेटिज्म। ऐसे सब्सटेंसेस के पास हमेशा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि इस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसको कैंसिल करने के लिए कोई और प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो इस तरह के सब्सटेंसेस के जो एटम्स हैं वो एटम्स खुद में एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी को रखते हैं, इसीलिए इंडिविजुअली इन एटम्स के साथ हम लोग यू नो एक टर्म यूज करते हैं एटॉमिक मैग्नेट्स बोलते हैं। एटॉमिक मैग्नेट्स का मतलब है कि बेसिकली एक एक एटम जो है खुद में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। बट ये जो एटॉमिक मैग्नेट्स होते हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं अगर आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई किया तो, और रैंडम ओरिएंटेशन होगा तो उसके इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि एक अगर राइट की तरफ पॉइंट करता है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक अगर नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कर रहा है तो दूसरा साउथ वेस्ट पॉइंट कर रहा है, तो ऐसे आपको हर डायरेक्शन में यू नो कोई ना कोई एक दूसरे को कैंसिल करता हुआ दिख जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस में कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड जब तक नहीं लगाओगे तब तक नहीं दिखेगी। बट जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हो तब आपको देखा जाता है, तब इसे देखा जाता है कि जो यू नो जो ऑलरेडी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, सोचो कि यू नो कि रैंडम ओरिएंटेशन में उन सारे एटॉमिक मैग्नेट्स पे जो एक टॉर्क लगनी शुरू होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैग्नेट को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो टॉर्क लगता है ताकि वो क्या करे, उसको अपने मैग्नेटिक मोमेंट को वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है, और जब ये अलाइन हो जाता है तो फिर नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी जो इंडिविजुअल एटॉमिक मैग्नेट्स है सबका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, बट हमने क्या किया जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो सभी सारे एटॉमिक मैग्नेट जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं, और अगर सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे तो उस केस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है क्या उसका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, सोच के देखो, होगा नहीं होगा, सर बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसका मैग्नेटिज्म किस डायरेक्शन में इसने अक्वायर किया, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म अक्वायर किया, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड अक्वायर किया, नहीं किया, क्योंकि मैग्नेट खुद किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, मैग्नेट ही अलाइन ही हो रहा है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपका यू नो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाए। तो इसका मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो आपके अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं जल्दी जल्दी एक बार लिख देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा इसको। सच सब्सटेंसेस हैव अनपेयर्ड electrons in their atoms and hence the net magnetic moment of individual atoms is non-zero even in absence of external magnetic field. Thus, we use the term atomic magnets to indicate magnetic property with such atoms. These atomic magnets are randomly oriented in absence of external magnetic field. And hence, the net magnetic moment of the substance as a whole is found to be zero. But when placed in an external magnetic field, they experience a torque such that
they tend to align themselves in the direction of applied B vector. Applied field direction में align कोशिश करने की कोशिश करते हैं. Thereby acquiring a net magnetic moment which is in the direction of applied field. So, इस तरह के सब्सटेंस आपने जो देखा भी, ऐसे सब्सटेंसेस अक्वायर करते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड. सो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड ये लोग मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटाइज होते हैं. इस चीज का ध्यान रखिएगा अभी. अब इसको अगर डायग्राम में आप दिखाने की कोशिश करोगे जैसे पिछली बार दिखाया था, तो उसमें अगर दिखाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा. जैसे मान लो कि यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ले रखा हमने, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है. अब इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये कुछ ऐसा ओरिएंटेड होगा, सब रैंडम ओरिएंटेशन पे है, किसी डायरेक्शन को हम फेवर नहीं कर रहे हैं. इन सब का वेक्टर हम कैलकुलेट करोगे मैग्नेटिक मोमेंट का तो सबका जीरो आ जाएगा. ठीक है, दीज आर रैंडम ओरिएंटेड. ये एक एक जो एरो मार्क अंदर में मार्क किया मैंने, ये सब एक एक इंडिविजुअल एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट को दिखाने के लिए, ये रैंडम ओरिएंटेशन में. अब आपने क्या किया, इसको एक यू नो एक्सटर्नल फील्ड में डाल दिया. जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड ले रखा है, लेट अस से दिस इज एन एक्सटर्नल फील्ड. ये एक्सटर्नल फील्ड है, आपने इसको अंदर प्लेस कर दिया, दिस इज पुट इनसाइड. सबने टॉर्क एक्सपीरियंस किया. अब अगर स्टेडी स्टेट की बात करें एट स्टेडी स्टेट, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये जो फील्ड था इसी के डायरेक्शन में वो सारे मैग्नेट्स जो हैं वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे. तो इसका डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा वो सब्सटेंस है. तो अभी भी थोड़े थोड़े टेढ़े हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो किसी एक डायरेक्शन को आप देखोगे तो फेवर कर रहा होगा. ये देखो, आप देखो डिफरेंस देखो. इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो सबकी मैग्नेटिक मोमेंट जो है नेट जो रिजल्टेंट आ रही है देखो ऊपर की तरफ ही आएगी. दिख रही है आपको? हाँ सर. ठीक है, बट इसमें अगर आप देखोगे इसमें तो जीरो, इसमें रिजल्टेंट जो है किसी एक डायरेक्शन को फेवर नहीं कर रहा है. ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ सर. ठीक है, में जैसे जैसे आप अप्लाइड फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे ना, जैसे जैसे अप्लाइड फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे तो वैसे में क्या होगा ना, जो थोड़ा बहुत टेढ़ा भी दिख रहा है ना आपको, जो मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा बहुत टेढ़ा दिख रहा है, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में नहीं दिख रहा है, तो उसको भी वो क्या करेगा, अलाइन कर देगा अपने डायरेक्शन में. तो उसके लिए आपको फील्ड बढ़ाते जाना पड़ेगा. मतलब इनिशियली वीक फील्ड रखोगे तो थोड़े से टर्न करेंगे, फिर और थोड़ा स्ट्रॉन्गर करोगे तो थोड़ा और ज्यादा टर्न कर जाएंगे, फिर और थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे तो और थोड़ा ज्यादा टर्न कर जाएंगे. तो जैसे जैसे फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाओगे तो वैसे वैसे ज्यादातर यू नो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपको क्या होगा करेंगे, वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हुए दिखेंगे. समझ आई सबको? ठीक है ना? हाँ सर. ठीक है, अब ये तो हो गए फेनोमेना. अब इससे भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे आपको पिछले डायमैग्नेटिक के लिए बताया, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके लिए भी. वो देखो आप कंपैरेटिव है, जल्दी-जल्दी हो जाएगा. पहला चीज ये कि जैसे जो हमने ससेप्टिबिलिटी की बात की थी, जो मैग्नेटाइजेशन की बात की थी, आई की वैल्यू को हम यहां पे भी लिखते हैं तो वैसे ही लिखते हैं, आई की वैल्यू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच वेक्टर. अब आई आपको पता है कि एच वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, आई आपका एच वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, बट इस केस में ये जो ससेप्टिबिलिटी होगी ये तो पॉजिटिव होगी, ये ठीक है, बट ये स्मॉल होती है, स्मॉल होती है मैग्नीट्यूड में. तो ऑब्वियसली इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि जो मैग्नेटाइजेशन भी होगा वो भी आपका वीक होगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग नहीं होता है, वीक होगा बट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड होगा. इसीलिए जो मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं उसको भी बोलते हैं कि वो पॉजिटिव ही होगा विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फील्ड. ठीक है,
तो इसको जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, सो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन विल बी स्मॉल एंड पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू अप्लाइड फील्ड. अप्लाइड फील्ड के रेस्पेक्ट में स्मॉल एंड पॉजिटिव होना चाहिए. अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, आई और एच का ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आप इधर आपने आई ले रखा है और इधर एच ले रखा है, ग्राफ आपको ऐसा एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगा. अगेन ये एंगल थीटा अगर मार्क करोगे तो टैन थीटा की वैल्यू आपको ससेप्टिबिलिटी दे देगा, और ये क्वांटिटी आपका सिंस स्मॉल है तो थीटा भी आपका क्या होगा, स्मॉल होगा. ये थीटा स्मॉल होगी क्योंकि ससेप्टिबिलिटी खुद ही स्मॉल है, तो ऑब्वियसली टैन थीटा बड़ा नहीं हो सकता है. ठीक है? हाँ सर. ठीक है. अगर आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो आपको फिर से अगर देखोगे तो म्यू आर की वैल्यू क्या थी, म्यू आर की वैल्यू वाज ससेप्टिबिलिटी प्लस वन था ना, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी को हम लिखते थे म्यू आर माइनस वन. अब हमने यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी को बोला है छोटा है बट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि म्यू आर की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन वन और नॉट, होगा ना? रीजन वही है क्योंकि ससेप्टिबिलिटी जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, बट ये ग्रेटर देन वन होगा बट क्लोज टू वन होगा, होगा ही नहीं होगा, बट क्लोज टू वन. एंड रीजन वही है क्योंकि ससेप्टिबिलिटी छोटी नंबर है. ठीक है. फिर ऐसे सोचो जैसे कि हमने उसमें यू नो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बोला था कि ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकर फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये रिपेल्ड होते हैं एक्सटर्नल फील्ड से. बट इस तरह के सब्सटेंस सोचो, ये सिंस ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फील्ड अप्लाई कर रखा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट होंगे या रिपेल्ड होंगे. अब ये सोच के देखो, जैसे सोचो यहाँ पे ये बार मैग्नेट ले रखा है, इमेजिन करो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और इसकी फील्ड लाइंस को हमने ऐसे दिखा रखा है, सोचो गिरा. और इमेजिन करो कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा हुआ है. ठीक है, दिस अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसमें भी मैग्नेटिज्म जो अक्वायर होगा वो फील्ड के डायरेक्शन नहीं होगा. इसका मतलब इसका साउथ पोल जो इंड्यूस होगा वो इधर होगा और नॉर्थ पोल जो इंड्यूस होगा वो इधर होगा. सही है नहीं है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, तो देखो तो नॉर्थ पोल के सामने में देखो साउथ पोल इंड्यूस्ड है, दिख रहा है आपको? हाँ सर. तो नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट. अट्रैक्ट करेगा ना. तो इस केस में इसको कैसा फोर्स मिलने वाला है, एक अट्रैक्टिव फोर्स मिलने वाला है. सो दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. और अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो उस केस में इसको किधर लेके जा रहा है, स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ या वीकर फील्ड की तरफ? स्ट्रॉन्गर फील्ड. Stronger field की तरफ. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. So, since such substances get magnetized, in the direction of magnetizing field they are attracted towards stronger field region. ठीक है, तो चीज का ध्यान रखिएगा आप, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन है. ठीक है, अब इसी तरह का यू नो जैसे पिछली बार हमने जो डायग्राम्स ड्रॉ किए थे वो सारे डायग्राम आप यहाँ पे भी रिपीट कर सकते हो. तो एक बार जल्दी से इसको एक बार यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फिर मेहनत करना नहीं पड़ेगा मुझे. अब सोचो
अब ये जो लिक्विड है हमारे लिए, अब मान लेते हैं कि ये लिक्विड जो है हमारा वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, दिस इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे ही मान लेते हैं फिर से. देखो इस बार मैं इसको फिल कर रहा हूं यहाँ पे. जैसे दिस इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो अब सोच के देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरफ जाता है, स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ ना, होगा नहीं होगा? हाँ सर. तो जो नीचे वाला लेवल है, जो नीचे वाला लेवल है वो क्या होगा, ऊपर, मतलब जो लेफ्ट लिंब है, लेफ्ट लिंब के जो नीचे की तरफ जो लिक्विड है वो ऊपर आना चाहेंगे ना, क्योंकि वो फील्ड की तरफ आना चाहेंगे, है ना? हाँ. तो उसका मतलब क्या है कि लेवल जो होगा वो लेफ्ट लिंब में क्या होगा, बढ़ जाएगा, और राइट लिंब में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. समझ आ रही है आपको? हाँ सर. तो लेफ्ट लिंब में इस बार बढ़ा देंगे लिक्विड, और राइट लिंब में डिक्रीज कर देंगे. ये कुछ ऐसा देखना है आपको, ठीक है? सबको समझ आ रही है? हाँ सर. अब इसमें भी सोचो क्या चेंजेस मिलेंगे आपको, नीचे वाले डायग्राम में बताओ क्या चेंजेस मिलेंगे, बताओ. माझगाने ऊंचे थाक पे बांधी के. गुड. इसमें क्या होगा, बीच में थोड़ा सा ऊंचा होगा, क्यों? क्योंकि ऐसे सब्सटेंस का टेंडेंसी किधर होता है, स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ रहने का, और स्ट्रॉन्गर फील्ड तो बीच में है, तो इसलिए वहां पे बल्ज हो जाएगा. और सेकंड वाले डायग्राम में स्ट्रॉन्गर फील्ड कहां पे है, एजेस पे, तो एजेस पे ज्यादा रहेगा, एजेस पे ज्यादा लिक्विड रहेगा और बीच में कम रहेगा. समझ आई आपको? हां सर. एकदम ठीक उल्टा, डायमैग्नेटिक का उल्टा कर दिया है. चलो आई होप इट हैज बीन क्लियर, राइट? हां सर. हां सर. सर ठीक है. ओके. देखो हमने ये भी पढ़ा था कि जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में फील्ड लाइन जो है रिपेल आउट हो रहे थे. वो रिपेल आउट क्यों हो रहे थे, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था. बट इस बार ये तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है. अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है तो ऐसे सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज कर जाएगा. और इंक्रीज किया हुआ फील्ड हम कैसे दिखाते हैं, स्पेसिंग घटा के ना, घटाते ना, ठीक है? इस तरह का वो चीज सिचुएशन दिखना है. सो यहाँ पे दी फील्ड लाइंस आर वीकली अट्रैक्टेड इनसाइड देम एज दे अक्वायर मैग्नेटाइजेशन in the direction of applied field, and hence the magnetic field density has to increase. Density increase karne ka matlab hai spacing ghatna, theek hai? इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे इमेजिन करो कि हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, दिस इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. अगर हम इसके अंदर फील्ड लाइंस ऐसे दिखा रहे थे पहले, ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे थे, और ये ऐसा इमेजिन करो, तो यहाँ पे जाएगा तो अंदर अट्रैक्टेड एंड देन फिर सीधा. आई गेटिंग द फील, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है. तो देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बाहर में देखो जितनी स्पेसिंग है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर देखो जितनी स्पेसिंग है. देखो अंदर की स्पेसिंग बाहर के स्पेसिंग से आपको ज्यादा दिखेगी, दिख रही है? हां सर. और रीजन यही है क्योंकि आपका फील्ड स्ट्रेंथ अंदर में इंक्रीज कर गया है. क्लियर है ना? ठीक है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है, जैसे अगर मान लो कि अगर आप ऐसे सब्सटेंसेस को अगर हीट करना शुरू करते हो,
किसी भी मैग्नेट जब हम बना देते हैं ना, किसी को मैग्नेट बना देते हैं, तो सबसे आसान तरीका होता है उसको डीमैग्नेटाइज करने का, आसान तरीका होता है कि उसको हीट करना शुरू करो या उसको पीटना शुरू करो। हीटने से या पीटने से, मतलब हीटने नहीं, हीट करना, गर्म करना, क्या बोल रहा हूँ, हीट जब आप करते हो तो फिर उस केस में क्या होता है कि जैसे रैंडमनेस इंक्रीज करते हो आप, और अगर आप रैंडमनेस इंक्रीज कर रहे हो तो सोच के देखो, जो डायपोल्स हमारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, जो एटॉमिक मैग्नेट्स थे, सो सोचो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे, जब उसको गर्म करोगे तो क्या रैंडमनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उसका? हाँ सर। ओके, अगर आप उसको पीटोगे, मतलब उसको हिट करोगे, मतलब मारोगे अगर उसको, जैसे उठा उठा के पटको बार बार, तो उस केस में भी रैंडमनेस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये शेक करने की तरह हो गया ना। अगर आप शेक करोगे तो उस केस में क्या होगा, वापस से रैंडमनेस इंक्रीज करेगा, और रैंडमनेस अगर इंक्रीज करेगा तो जो एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए थे वो तो अब एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं दिखेंगे ना, दिखेंगे क्या? नहीं सर। नहीं, तो उस केस में मैग्नेटाइजेशन घटेगा नहीं घटेगा, सोच के देखो, क्या मैग्नेटाइजेशन घटेगा? होगा ना सर। तो सोचो, जो हम लिख रहे हैं कि मैग्नेटाइजेशन इज ससेप्टिबिलिटी इनटू एच वेक्टर, एच वेक्टर तो हमने जो अप्लाई किया उसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो चेंज नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज किया तो किसकी वजह से डिक्रीज किया? ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करने की वजह से, है ना? हां सर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ससेप्टिबिलिटी है इसकी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सिंस इंक्रीजिंग increasing the temperature increases randomness and hence will decrease the net magnetic moment acquired by such substances. ठीक है, क्लियर है? तो ये ग्राफ आपको ऐसा दिखना है, susceptibility against temperature, ये rectangular hyperbola का shape होगा क्योंकि ये inversely proportional to temperature है. क्लियर है? हाँ सर. अगेन, ये भी अगर आप पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो ये भी सॉलिड लिक्विड तीनों में ही आपको दिखेगा, सो एग्जिबिटेड बाय सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीनों के लिए. इसके लिए अगर कुछ एग्जांपल्स पूछें आपसे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, एल्युमिनियम, क्रोमियम, स्ट्रॉन्शियम और लिक्विड ऑक्सीजन, इससे याद रखना. ये हो गई पैरामैग्नेटिज्म की बात. अब लास्ट है इसी का टाइप में, फेरोमैग्नेटिक. मुझे इस पर पानी पिए. ओके, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के साथ भी एटम्स के साथ उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएट होती है. तो इसके भी एटम्स के पास आपके एटॉमिक मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है, बट इसमें एक पिक्योलियर सा चीज ये देखी गई है, वो ये है कि इसमें जो एक डायरेक्शन का जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला एटम्स होता है, वो सारे क्या करते हैं ना, एक ग्रुप बना के रहते हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो एक डायरेक्शन के मैग्नेटिक मोमेंट वाले होते हैं, इनको डोमेन्स कहते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा ना कि यू नो एटम्स जो है वो डोमेन्स बना के रहते हैं, मतलब ग्रुप बना के रहते हैं, इंडिविजुअली नहीं थे. इंडिविजुअली जब होंगे तो फिर उस केस में यू नो वो पैरामैग्नेटिक रहेगा, और जब ग्रुप बना के रहेंगे तो उनको हम डोमेन्स कहते हैं. जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हो तो ये जो डोमेन्स है ना,
वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मतलब एक डायरेक्शन का मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो यू नो डोमेन है और दूसरे डायरेक्शन वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला डोमेन है, तीसरे डायरेक्शन वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला यू नो डोमेन है, तो ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट वाले जो डोमेन है ये एक दूसरे को रिजल्टेंट में कैंसिल कर जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस में भी आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब तक नहीं अप्लाई करोगे तब तक आपको कोई मैग्नेटिज्म नहीं दिखाई देगी। बट जब आप इनको यू नो एक यू नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तब उस केस में क्या होता है कि जो सारे यू नो जो डोमेन है, जो सारे डोमेन है वो पूरा का पूरा एक डोमेन पे एक साथ यू नो एक डायरेक्शन में टॉर्क लगता है। तो इस केस में कोऑर्डिनेटेड वे में वो सब अलाइन होने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेटेड वे में जब अलाइन होने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव यू नो मैग्नेटिज्म अक्वायर करेगा वो। जैसे एक होता है, पहले क्या हो रहा था कि सब में इंडिविजुअली एक मैग्नेटिक यू नो टॉर्क लग रही थी और सब इंडिविजुअली अलग अलग यू नो घूमने की कोशिश कर रहे थे। तो सोच के देखो, जैसे आप इंडिविजुअली सोचो कि एक जगह पे चले जाओ और यू नो सब इंडिविजुअली एक भीड़ में खड़े हो जाओ और सबको सोचो कि यू नो कि इंडिविजुअली अलग अलग यू नो घुमाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे जो इफेक्ट क्रिएट होगा, और सबको अगर एक साथ यू नो एक ग्रुप को एक साथ घुमाने की कोशिश की जाए उससे जो इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट ज्यादा किस में दिखेगा, सेकेंड वाले केस में ज्यादा दिखेगा नहीं दिखेगा? हाँ सर। तो इसीलिए ऐसे सब्सटेंस भी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटाइज होते हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म अक्वायर करते हैं। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म अक्वायर करने का रीजन यही है क्योंकि एक साथ पूरा का पूरा डोमेन एक साथ घूमता है। समझ आई आपको क्या बोला मैंने? हाँ सर। ठीक है, तो इसको मैं एक बार जल्दी लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सच सब्सटेंसेस टू हैव अनपेड electrons associated with their atoms due to which each individual atoms behave as atomic magnets, but unlike paramagnetic substances, they aren't individually randomly oriented, they form a group of atoms, whose magnetic moment are in same direction and each such group is known as domain. Domain is the term yahan pe wo distinguish karta hai isko you know paramagnetic substance hai, isko dhyan rakhiyega. But each domain is randomly oriented in absence of external magnetic field. When external magnetic field is applied, such substances acquire a strong magnetization in the direction of the applied field. So this may be important cheez ye hai ki such substances acquire magnetization, strong magnetization.
equation in the direction of the applied field. This takes place due to increment in the size of domain in which the atomic magnets were already in the direction of applied field. ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे अगर मान लो इसको ऐसे दिखाएं जैसे मान लेते हैं कि हमने ऐसा एक यू नो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मान लो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालने वाले हैं. पहले नहीं डाला है, पहले बाहर रखा है देखो. बट इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप यू नो डोमेन्स आप डिसाइड कर सकते हैं. जैसे मान लो कि यू नो चार ही डोमेन दिखा रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे डोमेन्स हो सकते हैं बट मैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए चार ही डोमेन दिखा रहा हूँ. ये देखो ये क्रॉस लाइन्स के बीच में चार डोमेन बन गए. मान लो कि एक डोमेन आपका ऑलरेडी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. दूसरा है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तीसरा जो है वो उससे परपेंडिकुलर है, चौथा भी उससे परपेंडिकुलर है. आप एक चीज नोटिस करो, क्या इस सब्सटेंस का कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट है? है क्या? नहीं है क्योंकि एक डोमेन देखो दूसरे डोमेन के ऑपोजिट है मैग्नेटिक मोमेंट में, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका जीरो आ गया. बट जब आपने इसको प्लेस किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक, अब आपको जो सिनेरियो दिखने वाला है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है. स्टेडी स्टेट के बाद मान लेते हमारा सब्सटेंस ये है, अब आपको क्या दिखेगा जो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब जो ऑलरेडी फील्ड के डायरेक्शन में था उसका टॉर्क तो जीरो होगा ना, जो ऑलरेडी यू नो उसके डायरेक्शन में था. बट बाकी जो है उन पे टॉर्क लग के वो क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में फील्ड है. तो फाइनली आपको दिखेगा यू नो कि ऐसा कुछ सिनेरियो आएगा, ऐसा कुछ. देखो इसमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है देखो वो बढ़ जाएगा, आपको दिखेगा. देखो आप एक चीज नोटिस करो, बाकी सारे डोमेन का साइज देखो छोटा हो गया है, और जो ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में आपका फील्ड था उस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका डोमेन साइज देखो बढ़ गया है. दिख रहा है आपको? हाँ सर. वो दिख रही है? तो ये फेनोमेना होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है. तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और इसका साइज यू नो इसका स्ट्रॉन्ग क्यों हुए उसका रीजन भी मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया है, ठीक है. ध्यान रखिए इसको. ओके, अब इसमें सोच के देखो, जैसे कि हमने फिर से यहाँ सोच के देखो, हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को जो बोला था दैट वाज ससेप्टिबिलिटी इनटू एच वेक्टर. तो इसमें तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन अक्वायर हो रही है और इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ही अक्वायर हो रही है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको हम बोलेंगे कि दैट इज यू नो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. इसी वजह से इसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फील्ड. एंड यू नो ये
लार्ज होगा, लार्ज मतलब लार्ज कंपेयर्ड टू यू नो किसके, मतलब पैरामैग्नेटिक्स के, मतलब ऐसा नहीं है कि एच से ज्यादा होगा, एच से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ये चीज सोच के देखो जो यू नो जैसे मतलब मैग्नेटाइजेशन जो है वो यू नो एच से ज्यादा हो सकता है, मैग्नेटाइजेशन एच से ज्यादा हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो जब आप यू नो कंपैरिजन करोगे, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, आई की वैल्यू को ससेप्टिबिलिटी इनटू एच लिखा है, अब ससेप्टिबिलिटी जो है वो वन से ज्यादा होता है, यू नो ये तो ठीक है वन से ज्यादा होता है, बट बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ज्यादा कहने का मतलब क्या है कि जैसे यू नो ऐसा नहीं कि हजार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, हजार हो जाएगा, दो हजार आएगा, ऐसा नहीं है, तो जस्ट ये लार्ज की वैल्यू होती है, ठीक है, लार्ज हम बोलते हैं वन के कंपैरिजन में लार्ज है, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था उसके लिए हमने बोला था वन से बड़ा होता है बट वन से क्लोजर होता है, तो वैसा सिनेरियो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, इसको जस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ध्यान रखिए इसको, द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इज लार्ज एंड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फील्ड, ठीक है, अब इसमें एक और चीज है जो थोड़ी सी डिफरेंट है, अच्छा यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, दिस इज लार्ज एंड पॉजिटिव, एक और चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, देखो जैसे अगर इसमें आई वर्सेस एच का ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, तो ये ग्राफ जो है ना ये नॉन लीनियर है, बाकी दोनों से ये थोड़ा डिफरेंट है, ये नॉन लीनियर ग्राफ है, और दूसरी चीज ये भी है कि इसमें आपको थोड़ी देर के बाद ना सैचुरेशन भी दिखेगा, सैचुरेशन कहने का मतलब क्या, देखो इसमें जैसे इनिशियली ग्राफ आपको दिखेगा ना ऐसे राइज करता है पॉजिटिव है देखो, बट फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद आपको ये सैचुरेट करता हुआ दिखेगा, ये देखो इधर सैचुरेट कर गया है, दिस इज सैचुरेटेड वैल्यू, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का सैचुरेशन वैल्यू है, अब ये सैचुरेट क्यों किया ये सोच के देखो, सैचुरेट इसलिए किया क्योंकि जब और सोचो जब हम यू नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब हम स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, मतलब एच की वैल्यू को देखो हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अप्लाइड फील्ड को हम स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, अप्लाइड फील्ड को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते जाओगे तो उस केस में जो यू नो जो डोमेन साइज है वो भी तो बढ़ता चला जाएगा, डोमेन साइज बढ़ता जाएगा तब तक बढ़ेगा जब तक जो बाकी डायरेक्शन के जो डोमेन थे वो वैनिश नहीं कर जाते, तो अगर सोचो कि यू नो कि जैसे 100 एटम्स थे जिनका मैग्नेटिक मोमेंट आपको एक डायरेक्शन में यू नो अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा था, तो आपने स्ट्रॉन्गर फील्ड अप्लाई किया तो 100 में से 50 मैग्नेट्स यू नो मैग्नेट्स जो था उनका ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में हो गया, फिर आपने और स्ट्रॉन्गर फील्ड किया तो 80 मैग्नेट्स का यू नो ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में हो गया, फिर और स्ट्रॉन्गर किया 90 हो गया, और स्ट्रॉन्गर किया तो सारा का सारा ओरिएंट हो गया, अब सारा का सारा अगर ऑलरेडी ओरिएंट हो चुका है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सोच के देखो तो क्या अब आप फर्दर अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अगर इंक्रीज करोगे, फर्दर अगर आपने इंक्रीज किया तो क्या उसमें मैग्नेटाइजेशन में कोई चेंज आएगा? नहीं सर, नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अलाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अलाइन हो गए अगर सारे तो उसके बाद तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए इसमें सैचुरेशन दिखता है, ये सैचुरेशन बाकी में क्यों नहीं आता है आप बोलोगे, जैसे पैरामैग्नेटिक में क्यों नहीं आया, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो अलाइनमेंट है ना वो बहुत मुश्किल होता है, मतलब अलाइनमेंट जो है वो बहुत मुश्किल होती है, वो इतने कोऑर्डिनेटेड वे में अलाइन नहीं होते ना, तो इसलिए ये बहुत बहुत ज्यादा सैचुरेशन अगर आएगा भी ना तो बहुत बहुत ज्यादा बड़े वैल्यू ऑफ एच के लिए आपको दिखेगा, तो इसलिए वो उसकी डिस्कशन ही नहीं करते हैं, तो इसलिए ये ध्यान रखना कि पैरामैग्नेटिक में ये जो कर्व है बेसिकली स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहला चीज ये है क्योंकि बाकी दोनों में स्ट्रेट लाइन था बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सैचुरेशन हो जाती है, ठीक है, तो ये सैचुरेशन क्यों आई है इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा, विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ डोमेन, बट वंस ऑल डोमेन्स आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन एज द अप्लाइड फील्ड, देन एनी फर्दर इंक्रीज इन एच वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल हैव नो
net effect on magnetization. Magnetization. ठीक है, तो इसमें भी एक चीज सोच के देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि आफ्टर यू नो स्टेडी स्टेट आ गया, जब वंस सैचुरेशन इज अचीव्ड, वंस सैचुरेशन इज अचीव्ड, अब ये सोच के देखो, अगर आई की वैल्यू को लिखूं तो ये ससेप्टिबिलिटी इनटू एच लिख रहे हैं हम लोग. अब ये सोच के देखो, इसको अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, इसको इंक्रीज किया तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा, ताकि इनका प्रोडक्ट क्या रहे, आपका कॉन्स्टेंट रहे. समझ आ रही है? इससे पहले क्या हो रहा था, सैचुरेशन जब तक नहीं आया था, सोचो सब जब तक सैचुरेशन नहीं आया था तब तक अगर हम एच को इंक्रीज कर रहे थे तब तक आई इंक्रीज कर रहा था नहीं कर रहा था, है ना? तो इनिशियली एच को इंक्रीज करने से आई इंक्रीज कर रही थी, बट बाकी जब सैचुरेशन आ गया तब एच को इंक्रीज करने से आई इंक्रीज नहीं कर रही है. इसका मतलब जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो इस वजह से जब आप ससेप्टिबिलिटी को ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी ड्रॉ करो या फिर म्यू आर ड्रॉ करो, दोनों का ही नेचर एक जैसा रहेगा क्योंकि दोनों तो लीनियर रिलेशन है. तो इस केस में अगर इसको एच के अगेंस्ट प्लॉट किया जाए तो इनिशियली दिखता है कि ये वाले वैल्यू जो है ना थोड़ी सी राइज करती है, और उसके बाद फिर ये सैचुरेशन आने के बाद फिर ये वैल्यू आपकी डिक्रीज करनी शुरू हो जाती है. समझ आ रही है आपको क्या कह रहा हूं मैं? ये है आफ्टर सैचुरेशन, ठीक है, दिस इज आफ्टर सैचुरेशन, ये वाला पार्ट जो है, मतलब इस तरफ आपका जो है दिस इज आफ्टर सैचुरेशन, एंड लेफ्ट वाला पार्ट जो ग्राफ का है दिस इज बिफोर सैचुरेशन. समझ आ रही है सबको? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, अभी देखो जो हमने ससेप्टिबिलिटी पढ़ा था वो म्यू आर माइनस वन था, तो देखो म्यू आर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये आएगा ससेप्टिबिलिटी प्लस वन, और आपने ऑलरेडी देखा कि ये तो पॉजिटिव था, दिस वाज पॉजिटिव, है ना, एंड लार्ज भी था ये, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि म्यू आर का वैल्यू भी क्या होगा, वन से काफी बढ़ाएगा. ठीक है, ये चीज मैं आपको तब बोल रहा था कि नो कि वन से बढ़ाएगा. ठीक है, हां सर. ठीक है, इसको ध्यान रखिए अभी. ओके, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जैसे एक चीज में दिखाया था, अच्छा लगे ग्राफ वाला तो ड्रॉ नहीं किया मैंने, अच्छा नहीं ड्रॉ किया. ठीक है, ठीक है. ओके, इसमें भी अगर आप जैसे उसमें कंपैरेटिव करोगे, जैसे अगर इमेजिन करो कि आपके किसी ने पूछा कि जैसे हम यू नो फील्ड लाइंस की जो बात कर रहे थे कि फील्ड लाइंस जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में रिपेल्ड आउट था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में पुल्ड इन था, अगर यू नो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बोलोगे तब क्या बोलोगे, तब उसके लिए भी पुल्ड इन होगा, मतलब दिस विल बी अट्रैक्टेड इनसाइड द फील्ड सब्सटेंस, बट ये स्ट्रांगली पुल्ड होगा क्योंकि डेंसिटी जो है उसके अंदर स्ट्रांग आएगी फील्ड लाइंस की. क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटाइजेशन अक्वायर कर रहा है ये भी तो स्ट्रांग अक्वायर कर रहा है ना. तो सेम चीज आपको पैरामैग्नेटिक की तरह ही दिखेगा, बट ये ज्यादा अंदर की तरफ आपको दिखना चाहिए. सो द फील्ड लाइंस विल बी स्ट्रांगली पुल्ड इनसाइड सच सब्सटेंसेस. मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो दिखने वाला है. ये सिमिलर ग्राफ हमने पैरामैग्नेटिक में भी ड्रॉ किया था, बट पैरामैग्नेटिक में स्पेसिंग जो है इसके अंदर इतनी कम नहीं करी थी हमने. ठीक है, ये जस्ट सिमिलर सही है क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी तो सिमिलर ही दिखता है, तो ये जस्ट डिफरेंस है. ओके, जब हम
ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं टेम्परेचर के साथ, तो ऑब्वियसली ससेप्टिबिलिटी जो है वो आपका टेम्परेचर बढ़ाने से, आपका रैंडमनेस इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका वो डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही नेचर दिखेगा कि ससेप्टिबिलिटी यू नो टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, बट ये एग्जैक्टली इनवर्स रिलेशन नहीं दिखता इनिशियली, एग्जैक्टली इनवर्स रिलेशन नहीं है. एक सर्टन टेम्परेचर के बाद ही ये इनवर्स रिलेशन दिखता है, और जिस टेम्परेचर के बाद ये इनवर्स रिलेशन दिखता है उसको क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि क्यूरीज टेम्परेचर के बाद एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर जाता है. मतलब उसके बाद जो है उसमें डोमेन का कंसेप्ट नहीं होता है, उसके बाद फिर वही यू नो इंडिविजुअल एटम्स ओरिएंटेड रैंडमली वाला कंसेप्ट आ जाता है. तो इसीलिए आपको इनवर्स रिलेशन दिखता है यहाँ पे. ये जस्ट इंफॉर्मेशन की तरह आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. The magnetic susceptibility. Susceptibility decreases with increase in temperature. But this decrement is not exactly in inverse proportion. With temperature initially beyond a particular temperature known as Curie's temperature. Curie's temperature. Beyond a particular temperature known as Curie's temperature, इसको TC से लिख रहे हैं. The ferromagnetic substances start behaving as paramagnetic. इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे ऐसा कुछ दिखना है. Susceptibility against temperature. इनिशियली देखो टेम्परेचर बढ़ाने से घट तो रही है, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही ये आपका इनवर्स रिलेशन में आता है. तो जिस टेम्परेचर के बाद ही इनवर्स रिलेशन में आ रहा है, इस टेम्परेचर को हम क्यूरीज टेम्परेचर कह रहे हैं. अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये देखो इस देखो इस टेम्परेचर के बाद देखो दिख रही है आपको ये जो ब्लू लाइन, देखो व्हाइट लाइन जो सेकंड हाफ ऑफ व्हाइट लाइन है उससे कनेक्ट करोगे तो देखो इनवर्स रिलेशन वाला दिखता है. दिख रहा है आपको रेक्टेंगुलर है वो वाला दिख रहा है. तो वो चीज को दिखाने की कोशिश करिए वहां पर. तो ये ध्यान रखना कि ये वाला पार्ट जो है इसके इधर मतलब डॉटेड लाइन के इस तरफ अगर जाओगे तो बिहेवियर बिकम्स पैरामैग्नेटिक. मतलब इसके बाद आपको ससेप्टिबिलिटी इनवर्स प्रोपोर्शन में टेम्परेचर के साथ दिखेगा. ठीक है, समझ आई है? ठीक है, ओके. अब ये यू नो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक से डिफरेंस यहाँ पे इसका ये भी है कि यू नो डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म आपको दोनों के साथ दिख सकता है, मतलब तीनों के साथ, सॉलिड के साथ भी, लिक्विड के साथ भी, गैस के साथ भी. बट फेरोमैग्नेटिज्म आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के साथ दिखेगा. सो एग्जिबिटेड ओनली बाय सॉलिड्स. सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में दिखना है, लिक्विड और गैस में ये नहीं होता है. इसलिए वो ट्यूब वाला जो डायग्राम ड्रॉ किया, फिर वो बाउल वाला जो डायग्राम ड्रॉ किया, वो सब इसके लिए कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ट्यूब और बाउल में कौन था, लिक्विड था ना. हाँ सर, ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा. इसके एग्जाम्पल्स अगर लोगे तो वैसे ही कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल और उनके जो भी अलॉयज हैं. And their alloys. Oof.
इसमें आपको सारा यहाँ तीनों टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो आपका कवर अप कर लिया हमने, मतलब जितने भी टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे उसका जितना भी यू नो थियोरेटिकल जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं और कंसेप्ट हो सकते हैं वो सारा मैंने आपको दे दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं यू नो एक हिस्टेरेसिस कर्व पे। हिस्टेरेसिस कर्व, ये हिस्टेरेसिस कर्व जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ड्रॉ करते हैं, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इस हिस्टेरेसिस कर्व को कई बार बीएच कर्व भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बीएच कर्व। BH curve. Basically, आप you know, जो magnetic field अगर आप apply कर रहे हो तो उससे जो net magnetic field substance में आ रही है उस चीज को हम basically उसका you know, curve में plot करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसको plot करूंगा, देखो जैसे मान लो हमने y axis पे B ले रखा है, ठीक है, और x axis पे हमने H को ले रखा है। अब आपको ये पता है कि जैसे जैसे हम H की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे सब्सटेंस में ज्यादा ज्यादा मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होता है, और वो इस वजह से क्योंकि डोमेन का साइज बढ़ता चला जाता है। फाइनली एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ यू नो फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से सैचुरेशन भी आ जाता है, तो सैचुरेशन के बाद सब्सटेंस को और मैग्नेटाइज किया नहीं जा सकता है। तो मान लेते हैं कि हमने इसको ड्रॉ किया तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। लेट अस से जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैग्नेटाइज करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये फाइनली एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे जाके सैचुरेशन आ गई है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसकी सैचुरेशन आ चुकी है, सो दिस हैज बिकम सैचुरेटेड, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अपनी अप्लाइड फील्ड को हटाना शुरू करते हो, यू नो डिक्रीज करना शुरू करते हो। तुमने अप्लाइड फील्ड को अगर डिक्रीज करना शुरू किया तो उस केस में देखो जो फोर्सिवली तुमने यू नो मतलब डोमेन को एक डायरेक्शन में ओरिएंट करके रखा हुआ है तो वो फोर्स को फोर्स है वो हट जाए अगर, तो उसमें क्या होगा, रैंडमनेस फिर से थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। जैसे ऐसे सोच के देखो, जैसे यू नो कि अगर ऐसे सोच के देखो, जैसे मान लो कि हमने एक यू नो एक क्लास में हम लोग सभी को यू नो इमेजिन करो बैठे हुए हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं और टीचर वहां पे एक क्लास ले रहा है। सपोज मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, फिजिकल क्लास हुआ है, मैंने आप सबको यू नो बोला है कि बोर्ड की तरफ आपको देखना है, तो बोर्ड की तरफ आप सभी देख रहे हो। अब इस केस में सोच के देखो, सबको बोर्ड की तरफ मैंने बाइपोल दिखा रखा है। अब फिर मैंने बोला कि आप लोग बोर्ड की तरफ ही देखते रहना, मैं थोड़ा सा यू नो बाहर की तरफ से होके आता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लास लीव करूंगा तो मेजोरिटी ऑफ लोग जो है आप लोग, सिंस आपको पता है कि टीचर ने एक बात बोली है, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, आप लोग देखना शुरू करोगे, बोर्ड की तरफ ही देखोगे, कॉपी कर रहे होगे। बट कुछ लोग होंगे उसमें से जो ऑलरेडी इधर उधर बात करना शुरू कर जाएंगे, नहीं करना कर जाएंगे, बताओ। हाँ सर होंगे। तो अब ऐसा ही सिनेरियो कुछ यहाँ पे भी होता है, जैसे अगर आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव किया या घटाना शुरू किया तो फिर यू नो जो ऑलरेडी डोमेन्स जो है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, उनमें से मेजोरिटी पार्ट जो है ठीक है अलाइन रहेगा, बट कुछ जो है उनका रैंडमनेस की वजह से वो लोग क्या होते हैं कि मिस ओरिएंट भी हो जाते हैं। और अगर मिस ओरिएंट हो गए तो उस सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा या मैग्नेटाइजेशन जो अक्वायर्ड था वो घटेगा या नहीं घटेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर मैंने सपोजिटली मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो भी कर दिया, मतलब मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था उसको मैंने हटा भी दिया, तो भी क्या सब्सटेंस में थोड़ी सी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाएगी, नहीं रह जाएगी? हाँ सर। तो इसको जब हम दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, जैसे अब मान लो कि हमने अपनी अप्लाइड फील्ड को घटानी शुरू की है, ठीक है, मैं अपनी अप्लाइड फील्ड को घटा रहा हूँ। देखो तो अब देखो ये वाला पॉइंट जहाँ पे देखो बी वाले एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां पे अगर मैं बोलूँ एच का वैल्यू कितना है, जीरो है या नहीं है, है ना? तो यहाँ पे देखो एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दिख रही है, और ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है उस सब्सटेंस के अंदर उसी को हम उसका रिटेंटिविटी कहते हैं। रिटेंटिविटी देखो एकदम बिल्कुल यू नो क्यों नाम दिया है वो एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यू नो जैसे रिटेंशन हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, आई हैव टॉट यू टुडे, और कल तक आप लोगों को सब कुछ भूल भी जाते हो, इसका मतलब आपकी रिटेंटिविटी क्या है, काफी कम है या नहीं है, है या नहीं है? अरे हाँ है ना, तो बोल दो। हाँ अब अगर इमेजिन करो कि आपको कल तक भी याद है वो चीज, तो आपकी रिटेंटिविटी हाई है या नहीं है? हाँ सर। तो बेसिकली अगर अप्लाइड फील्ड हटाने से भी अगर उसमें कुछ ना कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है तो ये बेसिकली उसकी रिटेंटिविटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, अगर रिटेंटिविटी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी ज्यादा होगी।
अगर रिटेंटिविटी कम है इसका मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होगी, कम होगी. तो ये वाला पार्ट बेसिकली रिटेंटिविटी को ही इंडिकेट करता है. ठीक है, तो इसको ऐसे नाम दे सकते हैं, जैसे इसको ओ कह दिया, इसको ए कह लेते हैं. ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ओ ए को हम क्या कह सकते हैं, दिस ओ ए पार्ट, ये क्या है, रिटेंटिविटी है. दिस इज रिटेंटिविटी, इट रेफर्स टू द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इनसाइड the substance on removal of magnetizing field. Clear है? हाँ सर. ठीक है, अब मान लो कि मुझे इस magnetic field को remove करना है, मतलब जितना ये magnetize हो चुका है ना already, इसको मान लो मुझे remove करना है. ठीक है, we want to remove this residual magnetism. देखो एक्चुअली जो यू नो जो बार मैग्नेट्स हम बनाते हैं, ये बार मैग्नेट्स को बनाने का तरीका ही होता है. बार मैग्नेट्स को बनाने का तरीका क्या होता है कि आप क्या करते हैं, जैसे अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है, मान लो अगर मान लो कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड के डायरेक्शन में ही आप क्या करते हो, एक आयरन बार को अंदर जमीन के अंदर गाड़ देते हो मान लो, और जमीन के अंदर गाड़ने के बाद आप क्या करो, एक साल के बाद उसको निकाल लो. एक साल के बाद जब आप उसको निकालोगे ना, तो आप देखोगे कि वो मैग्नेटाइज हो चुका होगा, मतलब वो मैग्नेट बन चुका होगा. वो क्यों? क्योंकि अब उसमें सारे डोमेन जो है ना वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं. तो अब सोच के देखो, ये खुद में मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, इसको बाहर निकाल भी लोगे और अर्थ के फील्ड से बाहर भी लेके चले जाओ, तो भी इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तो आ चुका है. और वो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से ही वो बार, मतलब जो आयरन बार था, वो क्या वो करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. ठीक है, बट अब सोच के देखो कि मुझे क्या करना है, ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है उसको रिमूव करनी है, मतलब जो मैग्नेटाइज हो चुका है उसको डीमैग्नेटाइज करना है. तो डीमैग्नेटाइज करने का तरीका क्या है, अब सोचो, अगर मैं अपनी अप्लाइड फील्ड को अगर रिवर्स कर दूं, डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड को रिवर्स कर दूं, मतलब जो पहले राइट की तरफ लगा रहे थे अब लेफ्ट की तरफ लगाना शुरू कर, तो उस केस में अब जो डोमेन्स है वो उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे. तो अब सोच के देखो कि वो अब ऑलरेडी जो मैग्नेटाइज हो गया था, अब वो उल्टे तरफ घूमना शुरू करेगा, होगा ना? हाँ सर. किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जो राइट की तरफ का मैग्नेटिक मोमेंट है और जो लेफ्ट की तरफ का मैग्नेटिक मोमेंट है, वो दोनों वैनिश कर जाएगा, नहीं कर जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा नहीं? हाँ. तो उस केस में आपको क्या दिखेगा कि एक पर्टिकुलर रिवर्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड के लिए, देखो अब इसको फर्दर ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, देखो एक पर्टिकुलर रिवर्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड के लिए, देखो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन आ रही है ओ से, मान लेते इसको बी है, तो देखो एक रिवर्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस के अंदर है, देखो वो जीरो हो गई है, दिख रही है आपको? हाँ सर. इसको हम कोर्सिविटी कहते हैं, दिस इज नोन एज कोर्सिविटी. कोर्सिविटी का मतलब होता है, जैसे कोर्स, किसी को कोर्स करना मतलब क्या होता है, जबरदस्ती करना होता ही नहीं होता है, जैसे कह रहे हैं कोर्सिव फोर्सेस लगा रहे हैं, मतलब कि बेसिकली क्या है, यू नो कुछ अपनी तरफ से नो ताकत लगा रहे हैं, यू नो कुछ चीज करने के लिए. तो कोर्सिव फोर्स है मतलब फोर्सिवली किसी को किया जा रहा है, वो खुद से हो नहीं रहा है बट फोर्सिवली किया जा रहा है. तो हमने क्या किया, इसमें रिवर्स डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ताकि उसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था वो रिमूव कर जाए, और इसको रिमूव करने के लिए जितनी फील्ड अप्लाई की है उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसका कोर्सिविटी कह रहे हैं. सो ओ बी पार्ट जो है इसको कोर्सिविटी कह रहे हैं, दिस इज कोर्सिविटी, इट रेफर्स टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड required to be applied opposite to the retentivity such that the net magnetic field vanishes. बस ठीक है, मतलब इतना ही बस याद रखो कि रिटेंटिविटी को रिमूव करने के लिए जितनी मैग्नेटिक फील्ड आपको लगानी है वही क्या है, कोर्सिविटी है. ठीक है, अब तो ठीक है, चलो आपने यू नो कोर्स करके उसकी मैग्नेटिक फील्ड को भी जीरो कर दिया, अब आप क्या करते हो, अब आप फर्दर फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हो रिवर्स डायरेक्शन में.
तो अब जो मैग्नेट पहले राइट की तरफ मैग्नेटाइज हुआ था, अब लेफ्ट की तरफ मैग्नेटाइज होना शुरू होगा. तो अब लेफ्ट की तरफ जब ये मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ तो इस बार सैचुरेशन किस तरफ आएगी, लेफ्ट की तरफ आएगी नहीं आएगी? आएगी. हां सर. हां सर. तो देखो, तो इस बार देखो लेफ्ट की तरफ भी आपको एक सैचुरेशन दिखेगा, ठीक है. सो दिस इज बिकम सैचुरेटेड नाउ. एंड फिर से आपने क्या किया, फिर से आपने अपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर दिया. तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव करोगे तो फिर से आपको क्या दिखेगा, फिर से आपको एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म दिखेगा. तो देखो ए डैश जो है उसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब ये है रिटेंटिविटी इन रिवर्स डायरेक्शन है, दिख रहा है आपको? हाँ सर. उसके बाद फिर फर्दर आप फिर से राइट साइड की तरफ फिर से फील्ड को इंक्रीज करते चले जाओ. तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटाइज हुआ था रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो था, अब फिर से किसी ना किसी फील्ड के लिए फिर से ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. तो बी डैश बेसिकली वो फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, बी डैश वो फील्ड को इंडिकेट कर रहा है. अच्छा ये बी नहीं लिखना चाहिए इसको. अच्छा ठीक है, कोई बात. ये बी से आप कंफ्यूज करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ये, बी जस्ट एक रैंडम पॉइंट दिखाया मैंने, क्या कंफ्यूजन होगा? इसको चेंज कर दो नाम को. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? हाँ सर. अच्छा ठीक है, इसको चेंज कर देता हूँ, इसको भी एक डी लिख देते हैं, डी एंड डी डैश कर देते हैं. ठीक. ठीक है, तो देखो डी डैश बेसिकली उसका यू नो कोर्सिविटी फिर से वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन का है. फिर से आपने फील्ड को अगर इंक्रीज किया तो वापस से ये फिर से आपका मैग्नेटाइज होगा एंड फिर से आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके सैचुरेट करेगा. ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया ना, इसको बेसिकली बीएच कर्व कहते हैं. दिस इज बीएच कर्व. और ये बेसिकली ये बीएच कर्व में बेसिकली आपको ये पता चलता है क्योंकि जैसे इस ये जो पूरा ग्राफ ड्रॉ किया है इसको एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. दिस इज वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो कि अनमैग्नेटाइज्ड है उसको आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हो टिल सैचुरेशन. फिर उसके बाद फिर क्या करते हो, उसकी मैग्नेटाइजेशन जो आ चुकी है उसको वैनिश करते हो आप. और वैनिश करने के लिए आपको रिवर्स डायरेक्शन में फिर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ता है. तो फिर एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए वैनिश भी कर जाता है मैग्नेटाइजेशन. उसके बाद फिर रिवर्स डायरेक्शन का फील्ड को आप फर्दर इंक्रीज करते जाते हो ताकि रिवर्स डायरेक्शन वो सैचुरेट यू नो ना कर जाए. सैचुरेशन करने के बाद फिर से आप फील्ड को रिमूव करते हो तो फिर से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है. उसके बाद ये जो रिवर्स डायरेक्शन का रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है इसको रिमूव करने के लिए आप फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन का फील्ड अप्लाई करते हो और वापस से आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिर से आपको एक पॉइंट पे सैचुरेशन दिखती है. तो ये कंप्लीट साइकिल जो बनी है ना, इस कंप्लीट साइकिल को एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं. दिस इज अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ये साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में आपको दिखेगा कि इसके अंदर एक एरिया बन रही है, दिख रही है आपको एक लूप एरिया बन रही है, वो दिख रही है? हां सर. हां सर. ये लूप का जो एरिया है ना, ये लूप का एरिया देखा गया है कि ये लूप का एरिया जितना ज्यादा बड़ा होता है ना, जितना ज्यादा बड़ा होता है उससे उस सब्सटेंस में यू नो लॉस ऑफ एनर्जी भी उतनी ज्यादा आती है. अब लॉस ऑफ एनर्जी मतलब कहाँ से आएगा, हीट एनर्जी आता है बेसिकली, कहाँ से आएगा? तो ये ऐसे आता है कि जैसे सोचे देखो, जैसे हम बार बार क्या कर रहे हैं ना, हम बार बार इसके जो एटॉमिक डाइपोल्स मतलब एटॉमिक मैग्नेट्स है उसको बेसिकली एक तरफ से घुमा रहे हैं फिर दूसरी तरफ घुमा रहे हैं, फिर एक तरफ घुमा रहे हैं फिर दूसरी तरफ घुमा रहे हैं. तो इसमें एटम्स का आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट रबिंग होगा ही नहीं, सोच के देखो. हाँ सर. होगा ना, जैसे ऐसे सोचिए देखो, आप सभी यू नो एक क्राउड में हो, एक सभी आप सभी एक क्राउड में भीड़ में, और उसके बाद फिर आप सबको एक डायरेक्शन में घुमाया जा रहा है, तो आप लोग सब एक दूसरे के बॉडी के अगेंस्ट रब करके घूमोगे नहीं घूमोगे? और अगर एक दूसरे के अगेंस्ट रब करके घूमोगे तो क्या वहां पे हीट एनर्जी जनरेट नहीं होगी? अपने हाथ को रब करके देखो, देखो हाथ गर्म होता है नहीं होता है? ना. तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे ये बेसिकली अगर आप एक सब्सटेंस में मतलब अगर लगातार एक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हो तो उस केस में यू नो एटॉमिक मैग्नेट्स का ओरिएंटेशन लगातार चेंज होने की वजह से हीट एनर्जी उसमें जनरेट होती है. और ये एरिया इसका जितना ज्यादा बड़ा आता है, ये बीएच कर्व का एरिया जितना ज्यादा बड़ा आता है वो बेसिकली वो इंडिकेट करता है कि कितनी ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा. ठीक है, पूछते हैं आपसे कि ये क्या इंडिकेट करता है, एरिया क्या इंडिकेट करता है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखेंगे. एरिया अंडर बी एच कर्व गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर मान लो कि किसी ने आपको ये सब्सटेंस दिखा रखा है, यू नो एक ग्राफ दिखा रखा है, और उसके बाद फिर बोला कि यू नो कि इनको देख के आप बताओ, मैंने जैसे दो सब्सटेंस के लिए अलग अलग दिखा रखा है, जैसे मान लेते हैं सब्सटेंस ए एक है, कोई एक सब्सटेंस बी है, या एक्स एंड वाई सॉल्व, एक सब्सटेंस एक्स है एक सब्सटेंस वाई है, और सब्सटेंस एक्स के लिए भी बीएच कर्व ड्रॉ कर दिया और सब्सटेंस वाई के लिए भी बीएच कर्व ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद फिर हमसे पूछा कि बताओ इस तरह के इन दोनों ग्राफ को देख के बताओ कि कौन सा सब्सटेंस को आप चूज करोगे यू नो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अब सोचो परमानेंट मैग्नेट हम बनाते किसको है, परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, एक ऐसा मैग्नेट जो कि इजीली डीमैग्नेटाइज ना हो, ये तो मतलब हुआ ना। परमानेंट मैग्नेट जैसे आपका बार मैग्नेट होता है, उसमें यू नो उसमें उसकी मैग्नेटिज्म क्या चली जाती है तुरंत से, या फिर वो मैग्नेट की तरह काफी लंबे टाइम तक बिहेव करता है? काफी लंबे टाइम तक तो उसको बोलते हैं कि परमानेंट मैग्नेट बनाया है, उसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए आप सोच के देखो रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिटेंटिविटी हाई नहीं हुआ तो फिर तो मैग्नेट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर रिलेटिविटी हाई होगी तुमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उसको मैग्नेटाइज किया, उस पर फिर हटाया, और अगर वो डीमैग्नेटाइज हो गया तो फिर तो परमानेंट मैग्नेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये रिलेटिविटी हाई होनी चाहिए। दूसरी चीज कोर्सिविटी, क्या कोर्सिविटी भी हाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्योंकि अगर कोर्सिविटी छोटी है, अगर सोचो कि कोर्सिविटी छोटी है तो भी तो इजिली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर सोच के देखो मैं अगर ना चाह के भी क्या मैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हटा सकता हूँ? नहीं सर। तो अगर मान लो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कभी मेरा वो बार मैग्नेट आ गया और उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर इससे ऑपोजिट हो गया, क्या उसको डीमैग्नेटाइज नहीं कर देता? समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए उसका अगर आपको कोई परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो ऐसा सब्सटेंस को चूज करते हैं जिसका रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों ही क्या होना चाहिए, आपका बड़ा होना चाहिए। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। अगर मान लो कि दो ऐसे सब्सटेंस है जिसका रिटेंटिविटी कंपेरेबल है, मतलब थोड़ा सा छोटा बड़ा है, जैसे मान लो कि सब्सटेंस X के लिए मैंने रिटेंटिविटी छोटी कह रखी है सब्सटेंस Y से, ठीक है, रिटेंटिविटी कम है, थोड़ी सी छोटी है, बट सब्सटेंस X का कोर्सिविटी बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू Y, तो आप किसको प्रेफर करोगे? सब्सटेंस X को ही प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि रिटेंटिविटी थोड़ा सा छोटा भले ही है रिटेंटिविटी उसका, बट कोर्सिविटी तो बहुत बड़ा है ना उसका, और कोर्सिविटी बहुत बड़ा होगा तो इसका तो बहुत अच्छा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अगर कोई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ गया, स्ट्रे मतलब जो अनवांटेड फील्ड आ गया, तो उस केस में वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगा इजीली। समझ आई आपको? ठीक है। अब इसमें जैसे यू नो अगर मान लो कि आपको यू नो टेम्पररी मैग्नेट्स बनाना हो, टेम्पररी मैग्नेट्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को भी टेम्पररी मैग्नेट्स कहते हैं, तो अगर मान लो आपको टेम्पररी मैग्नेट बनानी है तो टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए आपके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? टेम्पररी मतलब कि बेसिकली उसमें आप क्या करते हो ना, लगातार उसको यू नो साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन के थ्रू लेके जाते हो, एक बार क्लॉकवाइज फिर दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज फिर एक बार क्लॉकवाइज फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये ऐसा यू नो डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन बेसिकली आप रिवर्स करते रहते हो, तो फील्ड का डायरेक्शन अगर लगातार रिवर्स करते रहोगे, तुम सोचे देखो फील्ड का डायरेक्शन अगर लगातार रिवर्स करते रहोगे तो उस केस में वो सब्सटेंस लगातार मैग्नेटाइज होता रहेगा, नहीं मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, ऐसा होता रहेगा। हां सर। तो उस केस में तुम सोच के देखो अगर ये सब्सटेंस का मैंने बोला रिटेंटिविटी ज्यादा है तो क्या ये डिजायरेबल होगा हमारे लिए? टेम्पररी मैग्नेट है। टेम्पररी मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो इसको डीमैग्नेटाइज करना है नहीं करना है? ठीक है, टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब यही है कि अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया तो इसको डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। वही चीज अगर मैं कोर्सिविटी की बात करूं तो जो कोर्सिविटी भी अगर सोचो बढ़ा रहा तो भी तो इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं हो, इसका मतलब कोर्सिविटी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी टेम्पररी मैग्नेट्स के लिए क्या होना चाहिए, हमारा कम होना चाहिए। समझ आई सबको? हां सर। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी-जल्दी लिख देता हूं, आपको ध्यान रखिएगा। The BH curve helps us in choosing a magnetic substance
substance for a particular purpose. Particular purpose. Pehla, for permanent magnets. Permanent magnets. इसके लिए क्या है? High retentivity and high coercivity is desirable. ठीक है. अब इसमें एक चीज जस्ट इंफॉर्मेशन की तरह याद रखिएगा, यू नो आयरन और स्टील को एक कंपैरिजन के लिए एक ध्यान रखिएगा. यू नो आयरन का ही बेसिकली यू नो मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आयरन स्टील ही बेसिकली कॉमन है, तो उनके ही मैग्नेट्स बनाते हैं हम. तो उनके उनके साथ रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट वो याद रखिएगा. ऑल्दो रिटेंटिविटी ऑफ आयरन इज स्लाइटली ग्रेटर देन स्टील, yet it is unsuitable for permanent magnets since they have very less coercivity compared to steel. ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझाया ना मैंने, एक्स और वाई लेके मैं जब समझा रहा था आपको, समझाया था ना? हाँ सर. ठीक है, वही एग्जांपल है. ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना. किसी ने अगर आपसे पूछा आयरन का यू नो रिटेंटिविटी तो स्टील से ज्यादा है, फिर भी उसको यूज क्यों नहीं करते, स्टील को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि स्टील की जो कोर्सिविटी है वो आयरन से बहुत ज्यादा है. इसीलिए स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड जब अगर आ गया एक्सीडेंटली तो फिर आयरन डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, बट स्टील क्या होगा? डिमैग्नेटाइज नहीं होगा. ठीक है. हाँ सर. अब ये ध्यान रखना, कोबाल्ट स्टील इकोनल ये बेसिकली अलॉयज हैं, एंड अल्निको. नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इकोनल में कौन कौन होगा? टिन, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, है ना? हाँ सर. और अल्निको मतलब एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, है ना? Yes sir. ठीक है. कोबाल्ट, स्टील, टिकोनल एंड अल्निको आर आइडियल चॉइसेस फॉर परमानेंट मैग्नेट्स. ठीक है, ये तो क्या परमानेंट मैग्नेट्स का. अभी दूसरा, टेम्पररी मैग्नेट्स फॉर टेम्पररी और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इसके लिए क्या डिजायरेबल है? लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी. लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी होनी चाहिए, ये आइडियल है. ठीक है.